हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय नर्चर। मैं हूं कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? मस्त, बढ़िया। उम्मीद कर रहा हूं बढ़िया पढ़ाई चल रही होगी और सब लोग मजे में होंगे। तो चलिए चलते हैं अपना लास्ट चैप्टर एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट की तरफ, चैप्टर नंबर 13। ओके, काफी टाइम से इंतजार था इसका, मेरे को इंतजार था जल्दी जल्दी चैप्टर सारे खत्म हो जिससे कि नए सब्जेक्ट के ऊपर हम लोग आ सके। और बच्चों, जो नया सब्जेक्ट मैं स्टार्ट करूंगा वो होगा फार्माकोग्नोसी, है ना, उसकी वोटिंग सबसे ज्यादा आई है मेरे पास। ठीक है, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट। न्यूप्लास्टिक मतलब कैंसर, लिखा हुआ है सामने, ठीक है ना। और ये वो 10 ड्रग हैं जो हम लोग पढ़ेंगे जो कि सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं कैंसर के ट्रीटमेंट में। क्लियर है? कैंसर से सब लोग वाकिफ होंगे, एटलीस्ट नाम तो सब लोगों ने सुना ही होगा, कैंसर, है ना। किसी की राशि भी है कैंसर, ठीक है, राशियां भी होती है कैंसर, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पेज। एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट क्या है? ये एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट आओ समझते हैं। एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट बोल रहा है, क्या बोल रहा है? एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट आर द मेडिकेशंस, कलर ले लिया जाए, थोड़ा सा इसको थिक कर लिया, ओके। कह रहा है एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग्स आर मेडिकेशंस, ये वो दवाइयां हैं यूज्ड टू ट्रीट कैंसर। किसको ट्रीट किया जाएगा? कैंसर को। क्या होता है कैंसर समझेंगे, अभी रुक जाओ, आएंगे उसके ऊपर भी। एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग्स आर आल्सो कॉल्ड एंटी कैंसर कीमोथेरेपी। कीमो साइटो मतलब सेल और टॉक्सिक, जो सेल के लिए जहरीले हों, ऐसे ड्रग जो सेल के लिए क्या हो, जहरीले हो। और हजार्डस, हजार्डस मतलब जिनसे नुकसान हो, ये सब इसके नाम है। क्योंकि अल्टीमेटली देखो बच्चों, होना क्या है अभी हम समझेंगे, ये कुछ सेल्स की एक्स्ट्रा ग्रोथ होती है, उन सेल को मारने के लिए दवाइयां होती हैं, उन सेल को मारने के चक्कर में हमारे अपने कुछ अच्छे सेल भी मर जाते हैं। देखा होगा जिनको कैंसर की दवाइयां चलती हैं उनके बाल आल सब उड़ जाते हैं, क्यों? क्योंकि वो उन बुरे सेल को मारने के साथ साथ हमारे अच्छे सेल भी मरते हैं, इसीलिए इन्हें हजारडस ड्रग भी बोल दिया जाता है। बट जरूरी है, दीज ड्रग्स कम इन मैनी फॉर्म्स, कई रूप में आते हैं, सम आर लिक्विड, कुछ लिक्विड हैं, डेट आर इंजेक्टेड इन टू द पेशेंट, ज्यादातर लिक्विड ही होते हैं, एंड सम आर पिल्स, ठीक है ना, सिरप वगैरह इसमें नहीं होंगे, दो ही है। तो यहां से पकड़ लो, इस पूरे में फॉर्मुलेशन में दो ही है, मेडिसिन टैबलेट कुछ कुछ में है, ज्यादातर में तुम्हारे पास क्या आने वाला है, लिक्विड यानी कि इंजेक्शन ही आने वाले हैं। क्लियर है? चले आगे। ओके, तो चलते हैं आगे हम लोग और देखते हैं कैंसर को, समझते हैं कैंसर क्या है, किस चीज को कैंसर कहा गया है। कैंसर इज अ डिजीज इन विच सम ऑफ द बॉडी सेल, कैंसर वो डिजीज है, वो बीमारी है जिसमें सम ऑफ द बॉडी सेल, बॉडी के कुछ सेल ग्रो अनकंट्रोलेबली एंड स्प्रेड, फैलते हैं टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, अनकंट्रोल ग्रो होते हैं। देखो बच्चों, बॉडी के सेल्स का एक खास काम होता है, जैसे मान लो तुम्हारे हाथ में चोट लग गई, यहां पे हाथ फट गया इतना, तो यहां पर क्या करेगा, ये गड्ढा कुछ दिनों में भर जाता है, सेल डिवाइड करके यहां पर अपना काम पूरा कर लेती है। होता क्या है, एक सेल डिवाइड करेगा, ये एक से किस में आ गया, दो में आ जाएगा, दो से फिर चार में आ जाएगा। अब होगा क्या, सेल इस तरह से लगातार डिवाइड करता है, अल्टीमेटली होता क्या है, जब ये जगह खाली होती है, जब ये यहां किसी के डिवाइड होते होते एक दूसरे सेल के टच में आ जाता है कि अच्छा अब जगह नहीं है डिवाइड होने की, सिग्नल मिल जाता है अब डिवाइड होने की जरूरत नहीं है, और ये हमारा सेल डिविजन रुक जाता है। ठीक ऐसी प्रोसेस होती है, ठीक है ना। और अगर ये सिग्नलिंग फेल हो जाए, ये सिग्नल ही खत्म हो जाए, सेल जुड़े हुए हैं, सिग्नल लगातार जा रहा है कि डिवाइड मत करो मत करो मत करो, पूरी जिंदगी चलता है, अगर ये सिग्नल बंद हो जाए, ये सेल खटाक से डिवाइड करना स्टार्ट कर देंगे, जब डिवाइड करेंगे तो बहुत सारे सेल बनना स्टार्ट हो जाते हैं, और जब बहुत सारे सेल बनेंगे तो एक गुच्छा तैयार होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्यूमर, एक गांठ बोल देते हैं, ठीक है, समझेंगे अभी वो सारी बातें आएंगी। कैंसर कैन स्टार्ट ऑलमोस्ट एनी वेयर इन द बॉडी, ह्यूमन बॉडी में कैंसर कहीं भी स्टार्ट हो सकता है, नाक कान आंख गला ब्रेन, है ना, टेस्टिस ओवरी ब्रेस्ट, कहीं पे भी, कहीं से भी ये स्टार्ट हो सकता है।
नॉर्मली ह्यूमन सेल ग्रो करते हैं एंड मल्टीप्लाई थ्रू द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन. जनरली हमारी बॉडी के सेल बड़े होते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन. सबको पता है सेल डिवाइड करते हैं ना टू फॉर्म न्यू सेल और नए सेल बनाते हैं एज द बॉडी नीड, जैसी बॉडी को जरूरत होती है. व्हेन सेल्स ग्रो ओल्ड, जब सेल बूढ़े हो जाते हैं एंड बिकम डैमेज, है ना, जैसे हमारी स्किन सेल हम मैल निकालते हैं, मैल क्या होता है ऊपर के स्किन सेल्स डेड होकर खत्म हो जाते हैं. व्हेन सेल ग्रो ओल्ड और बिकम डैमेज, वो टूट फूट गए हैं, दे डाई, वो मर जाते हैं एंड न्यू सेल्स टेक देयर प्लेस. मिलियंस ऑफ सेल्स हैं हमारी बॉडी में, है ना, रोज हमें कभी हाथ रग रहे हैं, कभी रेलिंग पे चल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, हाथ रगड़ रहा है, सेल टूट फूट गया, ठीक है ना, तो मिलियंस ऑफ सेल्स रोज डैमेज होते हैं और रोज नए सेल बन रहे हैं. क्लियर है बातें? आओ आगे देखें. समटाइम दिस ऑर्डरली प्रोसेस, अभी तक सब ऑर्डरली चल रहा था, जरूरत थी तो डिवाइड कर लो, नए सेल बना लो, जरूरत नहीं है तो रुके रहो. ये ऑर्डरली प्रोसेस है, एक ऑर्डर में है. अगर ये ऑर्डर टूट जाए, ब्रेकडाउन हो जाए, एंड एबनॉर्मल और डैमेज सेल ग्रो एंड मल्टीप्लाई व्हेन दे शुडंट, और एबनॉर्मल जो नॉर्मल ना हो, एबनॉर्मल मतलब जो नॉर्मल ना हो, और डैमेज्ड सेल, सेल डैमेज मतलब एक खराब सा बेकार सा सेल जो प्रॉपर काम ना करता हो, या कुछ ऐसे केमिकल बनाता हो जो हमारे मतलब के नहीं है, उसको हम कहते हैं डैमेज सेल. ग्रो एंड मल्टीप्लाई व्हेन दे शुडंट, ये ग्रो करने लगे और मल्टीप्लाई करने लगे जब उनको ग्रो और मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए. दीज सेल्स, ये सेल, ये किसके लिए, ये जो एबनॉर्मल और डैमेज सेल की बात हो रही है, दीज सेल्स मे फॉर्म ट्यूमर. ट्यूमर को हिंदी में समझ लो गांठ होती है. क्या होती है? गांठ, एक गांठ टाइप की निकल आती है, उसे ट्यूमर कहा जाता है. विच आर लंप, लंप मतलब गुच्छा ऑफ टिश्यू, गांठ कुछ और नहीं होता, टिश्यू का गुच्छा होता है. टिश्यू समझते हो ना, जो सेल से मिलके बनते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, टिश्यूज बोलते हैं. ट्यूमर कैन बी कैंसरस, अच्छा गांठ जो होती है जरूरी नहीं कैंसर ही हो, है ना, नॉर्मल गांठ से भी होती है, कई बार गांठ बन जाती है तो डॉक्टर ऑपरेशन करके निकाल देता है, कई बार वो डेंजर नहीं होती है, कई बार डेंजर होती है, कई बार गांठ फैलती है. तो गांठ दो टाइप की हो सकती है, एक ऐसा ट्यूमर होगा जो फैलेगा नहीं, कैंसर नहीं होगा, ऐसे ट्यूमर को हम बिनाइन ट्यूमर कहते हैं. क्या कहते हैं? बिनाइन ट्यूमर. और जो ट्यूमर फैलता है, जो ट्यूमर कैंसरस होता है, उसको हम लोग कैंसरस या मलिग्नेंट कहते हैं. क्या कहते हैं? मलिग्नेंट, एक वर्ड आगे भी आगे आएगा. जो कैंसरस होता है उसके लिए एक शब्द होता है, जगह यहां पे लिख देता हूं मैं, मलिग्नेंट, उस वाले टिश्यू, उस वाले ट्यूमर को हम लोग क्या कहते हैं? मलिग्नेंट कहते हैं. ठीक है, जो ट्यूमर फैलेगा नहीं, जो ट्यूमर कैंसर नहीं होता है, उसको बिनाइन ट्यूमर, और जो फैलता है उसको मलिग्नेंट ट्यूमर. ओके, आगे आते हैं. कैंसरस ट्यूमर या मलिग्नेंट ट्यूमर स्प्रेड, मतलब फैलते हैं इनटू और इनवेड, इनवेड की हिंदी होती है जा करके हमला करना, किसी घर में घुसो, हमला करो, तोड़फोड़ करो, लूट लाओ. तो ये क्या कर रहे हैं, ये वाले सिर्फ कैंसरस सेल होते हैं, जो अच्छे सेल्स होते हैं उनके अंदर जाके घुसते हैं, अच्छे टिश्यूज वहां घुसेंगे, फैलेंगे और उनको मार तोड़ के बराबर कर देंगे और खुद फैलते चले जाएंगे. इन्वेड करते हैं नियर बाय टिश्यू, समझो उनके पास के टिश्यू है, और कैन ट्रेवल टू डिस्टेंस प्लेसेस इन द बॉडी टू फॉर्म न्यू ट्यूमर. कई बार ऐसा भी होता है, ये वाले सेल ना टूट करके ब्लड में आ जाते हैं, अब ब्लड से फ्लो होते हुए बॉडी में कहीं भी जा सकते हैं, और जहां जाके रुकेंगे वहां पर क्या है, नया ट्यूमर पैदा करना शुरू कर देंगे. ये जो प्रोसेस होती है जब ये फैलता है पूरी बॉडी में कैंसर, इसको हम कहते हैं मेटास्टेसिस. इस प्रोसेस का नाम क्या है? मेटास्टेसिस. ओके, कैंसरस ट्यूमर में आल्सो कॉल्ड मैलिग्नेंट ट्यूमर, जो मैं बता रहा था मैलिग्नेंट, ठीक है ना, ये वो है आसपास के टिश्यूज में ही फैल सकते हैं और ब्लड में आ जाए, अगर इनके सेल्स कैंसर सेल ब्लड में आ जाए तो ब्लड पूरी बॉडी में फ्लो करता है, वो पूरी बॉडी में फ्लो करेगा और जहां रुक जाएगा वहां पे वापस से कैंसर करना स्टार्ट कर देगा. ओके, मैनी कैंसर फॉर्म सॉलिड ट्यूमर, है ना, देखा होगा गांठ सी बन जाती है किसी के गले में है, किसी के कहां पर, एक सॉलिड, है ना, छू सकते हो, सॉलिड होता है. बट कैंसर ऑफ ब्लड, ब्लड तो लिक्विड होता है, और ब्लड का कैंसर हो जाए अगर तो लिक्विड फॉर्म में रहेगा, सच एज ल्यूकेमिया, जो कि WBC का होता है, ये है ना, WBC कैंसर होता है. जनरली डू नॉट, ल्यूकेमिया सॉलिड,
नहीं होता है। तो कैंसर की जो गांठ होती है, जरूरी नहीं गांठ हर बार सॉलिड हो, तो यहां पर गांठ नहीं पड़ेगी, वो सेल्स डैमेज करना स्टार्ट करता है और वो लिक्विड फॉर्म में चलता रहता है अपना, ठीक है। बिनाइन ट्यूमर डू नॉट स्प्रेड इनटू और इन्वेड नियर बाय टिश्यू, जो बिनाइन ट्यूमर होता है मैंने, वो फैलेंगे नहीं ना कहीं जाकर अटैक करेंगे। व्हेन रिमूव, जब इनको रिमूव कर दिया जाता है, बिनाइन ट्यूमर यूजुअली डोंट ग्रो बैक, वापस से ग्रो बैक मतलब वापस से ग्रो नहीं करेंगे। लेकिन कैंसर के साथ पता होगा ना, कैंसर ठीक हो जाता है फिर फैलता है, बिनाइन ट्यूमर में ऐसा नहीं होता, मैलिग्नेंट ट्यूमर में ऐसा होता है कि वो दोबारा से फैलेगा। वेयर एज कैंसरस ट्यूमर समटाइम्स डू, जो कैंसरस ट्यूमर होते हैं कई बार वापस से फैलते हैं निकालने के बावजूद। क्लियर है? तो हेडिंग दिख रही होगी तुमको, डिफरेंस बिटवीन कैंसर सेल एंड नॉर्मल सेल। तो देखो सिंपल सी बात है, जो नॉर्मल सेल होते हैं, देख रहे हो ये मेरे पास नॉर्मल सेल की कैटेगरी दिखाई पड़ रही है, ये नॉर्मल सेल्स हैं सारे यहां से लेके यहां तक, ठीक है ना, ये पूरा नॉर्मल सेल है अपना। जहां कैंसर सेल हुआ वो सेल क्या हुए, यहां पे अनलिमिटेड ग्रोथ, ठीक है ना, ये सेल्स थे, ये अनलिमिटेड ग्रोथ, ग्रो 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 पूरा फैल गया, ये इन अच्छे वाले सेल्स को फाड़ करके बाहर निकल रहा है ये, ठीक है ना, ये पूरी गांठ से बनती चली जाएगी अब ये। तो जो अनलिमिटेड ग्रोथ है ये क्या हुआ है, सेल डिवाइड होकर के, और ये डिवीजन रुक नहीं रहा, सिग्नल यहां पे फेल हो गया है, जो बताया था सिग्नल मिलता है वो फेल हो गया, और ये पूरा सेल क्या करता जा रहा है, ग्रो करता जा रहा है। तो देख सकते हैं हम लोग इसकी कुछ इस तरह से हालत हो जाती है, ये एक जनरल थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि किस तरह से ये हमारे बॉडी के अंदर सेल्स ग्रो करते हुए ऐसे बाहर की तरफ निकलते हैं, तो गांठ बनती है। अब ये फिर यहां की तरफ क्या बनेगी, गांठ बनेगी, ऊपर हमारी स्किन होती है कवर की रहती है, ठीक है। तो डिफरेंस बिटवीन कैंसर सेल एंड नॉर्मल सेल, ये बात तुम लोगों को समझ में आ रही होगी, ओके। अब आते हैं, अगर हम लोग बात करें, ये तो हो गया डायग्राम फिगर देखा हमने, कुछ और बातें करते हैं हम लोग, किसके बारे में, कैंसर सेल और नॉर्मल सेल के बारे में, कि क्या अंतर है कैंसर सेल और नॉर्मल सेल में। तो आप देखो क्या है, कैंसर सेल डिफर फ्रॉम नॉर्मल सेल, कैंसर सेल अलग होता है नॉर्मल सेल से इन मैनी वेज, कई तरीके से। फॉर इंस्टेंस, इंस्टेंस कह लो, या यहां पर जिसको इंस्टेंस पसंद नहीं आ रहा वो लिख लो फॉर एग्जाम्पल, कलर बदलने, फॉर एग्जाम्पल है ना, इंस्टेंस की जगह पे एग्जाम्पल एक ही बात होती है। क्या कह रहा है, कैंसर सेल ग्रो इन द एब्सेंस ऑफ सिग्नल, सिग्नल नहीं है, किसी का सिग्नल नहीं है कि सेल को डिवाइड करना है, जब सिग्नल होता है तभी सेल डिवाइड करता है, सिग्नल नहीं है तब भी ग्रो कर रहा है, ठीक है। नॉर्मल सेल ओनली ग्रो व्हेन दे रिसीव सच सिग्नल, नॉर्मल सेल तभी ग्रो करेंगे, डिवाइड करेंगे जब उन्हें कोई सिग्नल मिलेगा, क्लियर है, ओके। कैंसर सेल इग्नोर सिग्नल्स दैट नॉर्मली टेल्स, कैंसर सेल सिग्नल को इग्नोर कर देता है जो जनरली ये बताता है टू स्टॉप डिवाइडिंग, भैया डिवाइड मत हो, जगह नहीं है शरीर में, जरूरत नहीं है तुम्हारी, कैंसर सेल मानते ही नहीं है, सिग्नल नहीं है वो तभी डिवाइड किए चले जा रहे हैं ना, ठीक है, स्टॉप डिवाइडिंग और टू डाई, ठीक है ना। ये कैंसर सेल क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं, ए प्रोसेस नोन एज प्रोग्राम्ड सेल डेथ और एपोस्टेसिस। देखो बात को समझो, कैंसर सेल इग्नोर द सिग्नल दैट नॉर्मली टेल्स द सेल टू स्टॉप डिवाइडिंग और टू डाई, ठीक है ना, मतलब कि सेल को कब मरना है इसका भी एक सिग्नल होता है, जो सेल खुद से मर जाते हैं उसका भी एक सिग्नल होता है, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, ये एक प्रोग्राम्ड सेल डेथ होती है। कोई सेल पुराना हो गया है तो बच्चों इसकी एक प्रोसेस होती है, उसके अंदर हमारे पास लाइसोसोम्स नाम के एक क्या होते हैं, सेल की ऑर्गेनल्स होती है, सेल के अंदर एक स्ट्रक्चर पाया जाता है लाइसोसोम, जब सेल को मरना होता है तो लाइसोसोम फट जाता है, उसके अंदर से केमिकल निकलते हैं जो उस सेल को खा जाते हैं, ठीक है ना, ये प्रोग्राम सेल प्रोग्राम प्रोसेस होती है, मतलब एक तरह से हमारी बॉडी प्रोग्राम करती है कि हाँ ये सेल पुराना हो गया इसको हटाना है, तब वो ऐसी प्रोसेस करेगी, बात को समझते जाना, इस प्रोसेस को सेल की जो मरने की प्रोग्राम्ड प्रोसेस है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एपोप्टोसिस, क्या कहते हैं, एपोप्टोसिस, ठीक है। ये दोनों ही बातें हैं कि क्यों कब डिवाइड करना और कब मरना, दोनों बातें मानना छोड़ देते हैं कौन, ये वाले सेल्स कैंसर सेल, इसीलिए हमारी बॉडी उनको मारना भी चाहती है वो मरते ही नहीं है, क्योंकि उनका ये सिग्नल मारना छोड़ दिया, जब लाइसोसोम को फूटना वो नहीं फूटेंगे, ठीक है ना, किसके अंदर, कैंसर सेल के अंदर, ओके। कैंसर सेल इन्वेड, मैंने बताया इन्वेड करने मतलब क्या होता है, किसी के इलाके में जाकर के हमला कर देना, इन्वेड इंटू कहां पर, नियर बाय एरिया, जो आसपास के एरिया है, सेल्स के आसपास के एरिया है, एंड स्प्रेड टू अदर एरियाज ऑफ द बॉडी, और बॉडी के किसी दूसरे एरिया में भी फैलेंगे।
नॉर्मल सेल्स स्टॉप ग्रोइंग व्हेन दे इनकाउंटर द अदर सेल. इनकाउंटर मतलब एक नॉर्मल सेल था, ग्रो कर रहा था, ये एक बाजू वाला सेल है, ये सेल ग्रो करता करता इतना बड़ा हो गया, जैसे ही इतना बड़ा होगा ये रुक जाएगा कि अच्छा बाजू दूसरा सेल अब बड़ा, अब ग्रो नहीं होना है. बट कैंसर सेल ऐसा नहीं करता, ठीक है ना. मोस्ट नॉर्मल सेल डू नॉट मूव अराउंड द बॉडी. तो ये सेल्स होते हैं जनरली ऐसा नहीं कि यहां जाएंगे फिर आगे बढ़ जाएंगे, ऐसा नहीं करते. लेकिन कैंसर सेल ना धीरे से निकल निकल के आजू बाजू में फैलते चले जाते हैं, ठीक है, आगे आते हैं. अब देखो यार समस्या, अब जब जड़ पकड़ना जा रहा है यहां पर. कैंसर सेल टेल ब्लड वेसल, कैंसर सेल अब आदेश दे रहे हैं किसको, हमारी ब्लड वेसल को. अच्छा एक बात तो पता है ना, हमारी बॉडी में जितने भी सेल्स हैं उन सब के लिए ब्लड कैपिलरीज हैं. ब्लड कैपिलरीज मतलब ब्लड की सप्लाई जरूरी है, ताकि ऑक्सीजन जाएगी उन सेल के पास और वो सेल काम कर रहे हैं, अपनी CO2 बाहर निकालेंगे किसके थ्रू, ब्लड के थ्रू. हर सेल को ऑक्सीजन चाहिए और ऑक्सीजन के लिए ब्लड कैपिलरी यानी कि खून की सप्लाई. बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है हमारा ब्लड कैपिलरीज का. एक मोटी नस जाती है वो आगे जाके ना जैसे जड़े होती है इस टाइप से फैल जाती है आखिर में जाकर के, एक एक सेल के पास उसे खून लेकर के जाना होता है. अब जो नए सेल कैंसर सेल जो ग्रो कर गए हैं, अब बात समझना, वो ब्लड वेसल्स को आदेश दे रही हैं कि हमारी तरफ आओ, हमें खून पहुंचाओ, जो अच्छे सेल हैं वो भाड़ में जाएं, हमें खून दो, मरने दो उनको, और उनको आदेश मानना पड़ता है. कुछ इस तरह से सेल होते हैं. टेल ब्लड वेसल टू ग्रो टूवर्ड्स द ट्यूमर, है ना, ट्यूमर के पास आ रहे हैं कि उधर मत जाओ, अच्छे सेल के पास हमारे पास आओ. इससे दो नुकसान होते हैं, एक तो जो हमारा न्यूट्रिएंट है वो अच्छे सेल खा रहे हैं, कैंसर सेल खा रहे हैं, और जो अच्छे सेल हैं उनके पास ब्लड की सप्लाई पहुंचती नहीं है. जब उनके पास ब्लड की सप्लाई नहीं पहुंचेगी तो अच्छे सेल्स की डेथ होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है. ओके, अब क्या कह रहा है भाई, ब्लड वेसल को तो इसने मोड़ लिया अपनी तरफ, है ना, ग्रो टूवर्ड्स द ट्यूमर. दीज ब्लड वेसल सप्लाई ट्यूमर विद ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स. ये जो ब्लड वेसल थी ये ट्यूमर को क्या देने लगती है, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स देना शुरू कर देती है. एंड रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ट्यूमर. अब ट्यूमर का वेस्ट प्रोडक्ट भी तो अलग करना है, तभी तो ट्यूमर सेल जिंदा रहेंगी, ठीक है. तो ट्यूमर सेल ने अपनी पूरी व्यवस्था कर ली, आ गया ब्लड वेसल को भी आदेश दे दिया भाई मेरे पास आओ, मेरे को खाना पीना दो और मेरा वेस्ट लेके जाओ, ठीक है. वेस्ट क्या होता है, CO2 और जो मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं ब्लड में निकाल देते हैं ये लोग, ठीक है. अब ये जो एक्स्ट्रा सेल है, देखो यहां पे एक और काम कर रखा, हाइड फ्रॉम द इम्यून सिस्टम. कैंसरस सेल हाइड, छुपे रहते हैं इम्यून सिस्टम से. इम्यून सिस्टम मतलब है ना जैसे कि चोर पुलिस से छुपा रहता है. हमारा इम्यून सिस्टम पूरी बॉडी में घूम रहा है ना, जो हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, अच्छा कौन कौन बेकार है उसको मारो काटो अलग करो, ये छुपे रहते हैं, इम्यून सिस्टम इन्हें ढूंढ नहीं पाता. पहली चीज, द इम्यून सिस्टम नॉर्मली एलिमिनेट डैमेज्ड और एबनॉर्मल सेल. इम्यून सिस्टम का काम है अगर हमारी बॉडी में कोई बेकार सेल है, गंदा सेल है, तो उसे निकाल के बाहर कर देगा. उसे इम्यून सिस्टम को पता है कि कौन से सेल हमारी बॉडी के लिए वर्किंग है और काम करने वाले हैं, ठीक है. जो कैंसरस सेल है अगर ये देख लें उसको तो तुरंत मार काट के अलग कर दें, लेकिन ये छुप जाते हैं, ये और भी कारिस्तानी वाले हैं, छुप गए इम्यून सिस्टम से, आओ तुम ढूंढो हमें, हम मिलेंगे नहीं तुम्हें, ठीक है. छुपने की कला भी है इनके पास, ठीक है. फिर क्या कह रहा है, कैंसर सेल ट्रिक द इम्यून सिस्टम, है ना, चालाकी से छुपे रहते हैं, इंटू हेल्पिंग, ठीक है, इम्यून सिस्टम ट्रिक द इम्यून सिस्टम इंटू हेल्पिंग कैंसर सेल स्टे अलाइव एंड ग्रो. मतलब ये इम्यून सिस्टम को कुछ इस तरह से ट्रिक कर देते हैं. ट्रिक करने का मतलब है अपने आसपास कुछ ऐसे केमिकल डेवलप कर लेते हैं, इम्यून सिस्टम इन सेल्स को अपनी ही बॉडी का अच्छा सेल समझने लग जाता है. भाई इनके पास आंखें तो है नहीं ना, एक केमिकल दूसरे केमिकल को केमिकली समझता है, तो ये कुछ ऐसा सिस्टम तैयार कर लेते हैं कि जो अच्छे सेल के आसपास होता है वही अपने आसपास क्रिएट कर लेते हैं. इम्यून सिस्टम इनको भी अच्छा सेल समझने लगता है, मारता नहीं है, बस इनको फिर ग्रो होने देता है. बस यही दिक्कत हो जाती है, जब इम्यून सिस्टम हमारा काम करना इनके ऊपर एक्ट नहीं करता है तो ये फिर जल्दी से ग्रो हो जाते हैं. फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के तौर पर, सम कैंसर सेल कन्विंस इम्यून सेल्स टू प्रोटेक्ट द ट्यूमर इंस्टेड ऑफ अटैकिंग इट. कह रहा है उदाहरण के तौर पर कुछ कैंसर सेल इम्यून सिस्टम को कन्विंस कर लेते हैं, मना लेते हैं. अब कैसे मनाएंगे, केमिकली मनाएंगे, है ना, बोल के तो मनाएंगे नहीं, मना लेते हैं कि हाँ हम, हमें मारो नहीं, हमें बचाओ. तो इम्यून सिस्टम उनके ऊपर अटैक नहीं करता, कई तरीके से अपने आप को ये हाइड करते हैं. हाइड करने का एक तरीका कि हमें मारो नहीं, हम खराब नहीं है, ठीक है, हमें बचाओ. तो इम्यून सिस्टम उन्हें प्रोटेक्ट करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है. उसके बाद कह रहा है कैंसरस सेल एक्यूमुलेट मल्टीपल चेंजेस इन देयर क्रोमोजोम. कैंसर सेल के क्रोमोजोम में कई सारे चेंजेस आते हैं, सच एज डुप्लीकेशन यानी क्रोमोजोम डबल हो जाएंगे, एंड डिलीशन ऑफ क्रोमोजोम पार्ट्स, कुछ क्रोमोजोम के पार्ट टूट जाते हैं,
सम कैंसर सेल हैव डबल द नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम. कैंसर सेल के जो क्रोमोसोम्स के नंबर है ना, वो उनमें बहुत ज्यादा चेंजेस होते हैं, कोई कम होगा, कोई ज्यादा होगा, कोई डबल हो जाएगा. ठीक है, कैंसर सेल रिलाय ऑन डिफरेंट काइंड्स ऑफ न्यूट्रिएंट देन नॉर्मल सेल. ठीक है ना, कैंसर सेल रिलाय मतलब उनको डिपेंड है किसके ऊपर, अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स का ऊपर देन नॉर्मल सेल. अब नॉर्मल सेल को क्या चाहिए होगा, ऑक्सीजन, और जो हम खाना खा रहे हैं ग्लूकोज वगैरह जाएगा, काम करेगा. लेकिन कैंसर सेल कहता है नहीं, मैं O2 तो चाहिए जिंदा रहने के लिए, लेकिन जरूर नहीं है कि मेरे को ग्लूकोज मिले, मैं कुछ और भी खा के जिंदा रह लूंगा, क्योंकि वो तो अटैकर है ना. तो वो क्या कह रहा है, इन एडिशन सम कैंसर सेल्स मेक एनर्जी फ्रॉम न्यूट्रिएंट्स इन डिफरेंट वे देन द मोस्ट नॉर्मल सेल्स. नॉर्मल सेल क्या करेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर के फाइनली ATP वगैरह होती है, उससे एनर्जी क्रिएट करते हैं. ये कहते हैं हमें जरूरत ही नहीं उसकी, हम कुछ और तरीके से बना लेंगे. क्यों, उसके तरीका अपनाएंगे तो दिक्कत में आ जाएंगे फिर ये लोग. अच्छा, इनके जो तरीके होते हैं एनर्जी क्रिएट करने के, नॉर्मल सेल से ज्यादा बेटर होते हैं, तो ये जल्दी ग्रो करते हैं इसीलिए. ठीक है ना, दिस लेट्स कैंसर सेल ग्रो मोर क्विकली. है ना, इनके तरीके जो है एनर्जी गेन करने के नॉर्मल सेल से ज्यादा अच्छे है, क्योंकि इनके क्रोमोसोम में चेंज ला करके, म्यूटेशन ला करके अपने आप को बेटर कर लेते हैं. ये काम करने में, नॉर्मल जो कैंसर सेल होते हैं काम करने में अपने आप को एफिशिएंट कर लेते हैं, ज्यादा अच्छा बना लेते हैं कंपेयर टू नॉर्मल सेल. तो बात समझ में आ रही है किस तरह से ये सेल्स की लड़ाइयां चल रही हैं. ओके, अब उसने अपने आप को अच्छा बना लिया, एनर्जी जल्दी जल्दी गेन करता है और क्या करेगा, उससे जल्दी ग्रो करेगा. मैनी टाइम्स कैंसर सेल रिलाय ऑन हैविली ऑन दिस एबनॉर्मल बिहेवियर. रिलाय सो हैविली कह रहा है, मैनी टाइम्स कैंसर सेल रिलाय मतलब डिपेंड होता है, सो हैविली बहुत ज्यादा ऑन दिस एबनॉर्मल बिहेवियर, मतलब अलग से एनर्जी गेन करना, बहुत सारी ब्लड सप्लाई को ले लेना, इनके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड हो जाता है, डैट दे कांट सर्वाइव विदाउट देम. अगर ये सारा सिस्टम इनका हटा दिया जाए तो ये जिंदा नहीं रह पाएंगी. ठीक है ना, अब रिसर्चर्स इंसान भी कम नहीं है, रिसर्चर मतलब साइंटिस्ट, उनने कहा अच्छा तुमने ये तरीका अपनाया हुआ है, तुम ऐसे ऐसे ब्लड वेसल सप्लाई करवाते हो अपने पास, हम भी दवाई ऐसी बनाएंगे कि तुम्हारे इसी चीज के ऊपर अटैक करेगी दवाइयां हमारी. बात समझ में आ रही है, तो रिसर्चर्स हैव टेकन एडवांटेज, रिसर्चर्स इस बात का एडवांटेज लेते हैं, तुम माइटोकॉन्ड्रिया का इस्तेमाल नहीं करते हो एनर्जी के लिए, कुछ और कर रहे हो, हम उसी चीज पर अटैक करवाएंगे. इस फैक्ट का कि डेवलपिंग थेरेपीज दैट टारगेट द एबनॉर्मल फीचर ऑफ द कैंसर सेल, कैंसर सेल ने जो अपने अलग से तरीके इजाद कर लिए हैं उनके ऊपर ही क्या करेगा, यह अटैक करेगा. डेवलप ऐसी थेरेपी डेवलप कर ली है दैट टारगेट द एबनॉर्मल फीचर, जो कैंसर सेल्स की एबनॉर्मल फीचर्स हैं उनके ऊपर क्या होगा, अटैक करेगा. फॉर एग्जाम्पल सम कैंसर थेरेपीज प्रिवेंट ब्लड वेसल्स फ्रॉम ग्रोइंग. कुछ थेरेपी में क्या होता है, जैसे ये सेल है, कैंसर सेल है, तो इनके आसपास क्या होना है, बहुत सारी ब्लड वेसल्स को आना है, तो ये जो थेरेपी है वो इन ब्लड वेसल्स को ग्रो नहीं होने देगी, कट कर देगी, तो इनको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेगा, तो ये अपने आप क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे. एक उदाहरण के तौर पर बताया गया है, ठीक है ना. फॉर एग्जाम्पल सम कैंसर थेरेपी प्रिवेंट ब्लड वेसल्स फ्रॉम ग्रोइंग टूवर्ड्स द ट्यूमर, ट्यूमर की तरफ ग्रो होने से रोक देता है. इसेंशियली स्टार्विंग द ट्यूमर, स्टार्विंग मतलब ट्यूमर भूखा मरेगा, स्टार मतलब भूखा, द ट्यूमर ऑफ नीडेड न्यूट्रिएंट, जो नीडेड न्यूट्रिएंट है वो उसको मिलेंगे नहीं और ट्यूमर क्या हो जाएगा, भूखा रहेगा और फिर वो मर जाएगा. तो बात समझ में आ रही है ना, किस तरह से कैंसरस सेल बढ़ते हैं, अटैक करते हैं, फैलते हैं और हमारे इम्यून सिस्टम में छुपे भी रहते हैं और उनकी कुछ एक्टिविटी का रिसर्चर्स फायदा उठाते हैं और उसको मारने में हेल्प करते हैं. ओके, अगर हम बात करें, ये तो होगी कैंसर सेल और नॉर्मल सेल में क्या अंतर होता है. ठीक, पॉसिबल साइन एंड सिम्टम इंक्लूड. अगर किसी को कैंसर है तो जनरली क्या होगा, लंप, कोई जगह बॉडी में, किसी जगह पे एक छोटा सा गांठ जैसी दिखाई दे जाएगी. एबनॉर्मल ब्लीडिंग, कोई ब्लीडिंग हो रही होगी बॉडी में, समझ में नहीं आ रही क्यों हो रही है. प्रोलॉन्ग्ड कफ, खांसी होगी बहुत लंबे समय से. अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, वजन कम हो रहा होगा, कारण पता ही नहीं, खा खूब रहे हैं, सब कुछ बढ़िया लेकिन वजन कम हो रहा है. एंड चेंज इन बाउल मूवमेंट, बाउल मतलब होता है पेट के मूवमेंट, है ना, कभी सुबह लैट्रिन आ रही है, फिर एकदम से दो बार आ जा रही है, शाम को तीन बार आ जा रही है, लेकिन वो क्यों हो रहा है बात समझ में नहीं आ रही है. ठीक है, तो ये कॉमन साइन सिम्टम्स हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, ये जनरल हमने यहां बात की क्या क्या साइन सिम्टम्स हो सकते हैं. क्लियर है बातें, ओके. नेक्स्ट देखते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ कैंसर, कैंसर के टाइप्स, है ना, मैंने कहा ना बॉडी में कहीं पे भी कैंसर हो सकते हैं, तो उसी हिसाब से इनके कुछ नेमिंग कर दी गई है. आओ देखते हैं, सबसे पहला कैंसर है हमारे पास
सबसे पहला कैंसर है जिसको हम बोलेंगे कार्सिनोमा। कार्सिनोमास आर द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कैंसर, बहुत कॉमन टाइप के। अब लिखो लाइन ये मत लिखो, सिंपली क्या याद रखना कार्सिनोमा में, एपिथेलियल सेल। क्या होते हैं एपिथेलियल सेल? हैप पढ़ रहे हो ना, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। एपिथेलियल सेल याद है नहीं याद है? एपिथेलियल सेल ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में एपिथेलियल सेल्स क्या थे? जो सबसे ऊपर पाए जाते हैं, है ना, सरफेस में, बॉडी के सरफेस में सबसे ऊपर पाए जाते हैं किसी भी टिश्यूज के, उनको हम लोग क्या कहते हैं? एपिथेलियल सेल्स होते हैं। तो जब एपिथेलियल सेल्स का कैंसर होगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? कार्सिनोमा कहेंगे। एपिथेलियल सेल्स के बारे में बता भी रहा है, विच आर द सेल्स दैट कवर द इनसाइड एंड आउटसाइड सरफेस ऑफ द बॉडी। बॉडी का इनसाइड वाला खाल निकाले तो अंदर का और बाहर का जो सरफेस कवर करें उन्हें हम क्या कहते हैं? एपिथेलियल। तो यहां पे कार्सिनोमा कैंसर ऑफ एपिथेलियल सेल, इतना याद कर लेना। सार्कोमा कैंसर ऑफ बोन एंड सॉफ्ट टिश्यूज, सार्कोमा कैंसर ऑफ बोन एंड सॉफ्ट टिश्यूज, उसको हम सार्कोमा कहते हैं। इसमें कई बार मसल्स, फैट, ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल एंड फाइब्रस टिश्यू को भी हम लोग इंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है ना, सार्कोमा के अंदर। ल्यूकेमिया, ठीक है ना, कैंसर डेट बिगिन इन द ब्लड फॉर्मिंग टिश्यूज। ये कहां से शुरू होता है? जो ब्लड फॉर्मिंग टिश्यूज होते हैं। ब्लड फॉर्मिंग, ब्लड कहां फॉर्म होता है याद है किसी को? बोन मैरो के अंदर। किसके अंदर? बोन मैरो। बोन मैरो कहां पाया जाता है? जो लंबी लंबी बोन्स होती हैं, है ना। नॉनवेज कौन कौन खाता है? जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनको पता होगा, जो लंबी बोन्स होती हैं उनके अंदर कुछ भरा होता है, उसी को हम बोन मैरो कहते हैं, ठीक है ना। ओके, ब्लड फॉर्मिंग टिश्यूज ऑफ द बोन मैरो, उसी को बोन मैरो करते हैं, आर कॉल्ड ल्यूकेमिया। यानी कि इतना याद रखो कि जो ब्लड फॉर्मिंग टिश्यूज होते हैं या जो बोन मैरो कैंसर होता है उसे हम क्या बोल देंगे? ल्यूकेमिया बोल देंगे। दीज कैंसर डू नॉट फॉर्म सॉलिड ट्यूमर, ऑब्वियसली बात है, ल्यूकेमिया व्हाइट ब्लड सेल्स लिक्विड रहता है तो ये सॉलिड ट्यूमर फॉर्म नहीं करते हैं, बॉडी के अंदर रहेंगे, ऊपर से पता नहीं चलेगा कि कहीं बॉडी में ट्यूमर है, ठीक है। सॉलिड ट्यूमर नहीं बनाएंगे, इंस्टेड लार्ज नंबर ऑफ एबनॉर्मल व्हाइट ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स को एबनॉर्मल कर देते हैं, उनका जो मेन काम है बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म वो काम करना वो छोड़ देते हैं। ओके, ल्यूकेमिया सेल्स एंड ल्यूकेमिक ब्लास्ट सेल, ठीक है ना, नाम दे दिया इसका, बिल्डअप इन द ब्लड एंड बोन मैरो क्राउडिंग आउट नॉर्मल ब्लड सेल, ठीक है। ये ल्यूकेमिया सेल्स या ल्यूकेमिक ब्लास्ट सेल, ये जो नॉर्मल सेल्स होते हैं उनको हम बदल जाते हैं एबनॉर्मल सेल्स में, उन एबनॉर्मल सेल्स का नाम क्या है? ल्यूकेमिया सेल्स या ल्यूकेमिक ब्लास्ट सेल्स। बिल्डअप होते हैं ब्लड के अंदर और बोन मैरो के अंदर, क्राउड इकट्ठे होने लगते हैं नॉर्मल ब्लड सेल को बाहर, क्राउडिंग आउट द नॉर्मल ब्लड सेल्स, जो नॉर्मल ब्लड सेल्स हैं उनको निकाल निकाल मतलब बाहर करते जाते हैं, उनको मारने लगते हैं। द लो लेवल ऑफ नॉर्मल ब्लड सेल्स कैन मेक इट हार्डर फॉर द बॉडी टू गेट ऑक्सीजन टू इट्स टिश्यूज, ठीक है। अब क्या होता है उनके लिए, क्या होता है, ऑक्सीजन को ले जाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। कंट्रोल ब्लीडिंग एंड फाइट इन्फेक्शन, ठीक है, इन्फेक्शन से लड़ना, ब्लीडिंग कंट्रोल करना, ये सब चीजें बड़ी मुश्किल हो जाती हैं। तो इतनी बातें याद ना रहे तो ध्यान रखना, ल्यूकेमिया में क्या है? ब्लड फॉर्मिंग टिश्यू के कैंसर को हम लोग क्या कहते हैं? ल्यूकेमिया कहते हैं। लिम्फोमा, लिम्फोमा कैंसर डेट बिगिन इन लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स क्या बनाते हैं? टी सेल्स और बी सेल्स, टी सेल्स, ठीक है ना। दीज आर डिजीज फाइटिंग विद व्हाइट ब्लड सेल्स आर पार्ट ऑफ द इम्यून सिस्टम इन लिम्फोमा, एब्नॉर्मल लिम्फोसाइट बिल्डअप इन द लिम्फ नोड्स, ठीक है ना। तो सिंपल याद रखना है लिम्फोमा में क्या है, ये कहां होते हैं? लिम्फोसाइट्स के अंदर। लिम्फोसाइट्स पता है ना क्या होते हैं? जो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम है, ब्लड वेसल्स, लिम्फ। ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी में पढ़ा होगा, हार्ट वाला चैप्टर, ब्लड सर्कुलेटिंग वाला चैप्टर में लिम्फ, लिम्फ वेसल्स वही है ये, ठीक है ना। लिम्फ नोड्स में जाकर के इकट्ठे होकर गांठे से बनने लगती है, ठीक है ना, एज वेल एज इन द अदर ऑर्गन ऑफ द बॉडी, क्लियर है ना। लिम्फोमा कैंसर डेट बिगिन इन द लिम्फोसाइट्स, टी सेल्स बी सेल्स होते हैं उनके ऊपर अटैक होना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि हमारे टी सेल्स बी सेल कैंसर सेल में बदलना स्टार्ट हो जाते हैं। दीज आर डिजीज फाइटिंग व्हाइट ब्लड सेल्स, दीज मतलब ये, दीज आर डिजीज फाइटिंग व्हाइट ब्लड सेल डेट आर पार्ट ऑफ द इम्यून सिस्टम, ये इम्यून सिस्टम के पार्ट होते हैं, ठीक है, इसके बारे में बता दिया। इन लिम्फोमा एबनॉर्मल लिम्फोसाइट्स, एबनॉर्मल जो नॉर्मल नहीं है, बिल्डअप इन लिम्फ नोड्स, लिम्फ नोड में बिल्डअप होते हैं, एंड लिम्फ वेसल, लिम्फ वेसल्स के अंदर बिल्डअप होंगे, अंदर बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं, एज वेल एज इन द अदर ऑर्गन ऑफ द बॉडी, ठीक है ना। तो जनरल कुछ बातें लिख दी हैं, मेन क्या याद रखोगे? लिम्फ नोड्स या लिम्फोसाइट्स का ये मेन कैंसर होता है। ओके,
मल्टीपल माइलोमा इज अ कैंसर दैट बिगिन इन प्लाज्मा सेल्स, इतना याद रखोगे तब भी चलेगा। मल्टीपल माइलोमा कैंसर है किसका? प्लाज्मा सेल, अनदर टाइप ऑफ इम्यून सेल्स, ठीक है ना, ये अलग टाइप के इम्यून सेल्स होते हैं एक और टाइप के। द एबनॉर्मल प्लाज्मा सेल्स कॉल्ड माइलोमा सेल्स, जो एबनॉर्मल प्लाज्मा सेल्स है कैंसरस सेल होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? माइलोमा सेल्स। बिल्डअप इन द बोन मैरो, कहां बनते हैं ये? बोन मैरो के अंदर, एंड फॉर्म ट्यूमर्स इन बोन्स ऑल थ्रू द बॉडी, पूरी बॉडी के बोन्स में ये ट्यूमर के फॉर्म में बनना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, बात क्लियर हो गई? ओके, ना याद रहे तो क्यों इतना याद रखोगे? मल्टीपल माइलोमा इज अ क्या है? प्लाज्मा सेल का कैंसर। मेलानोमा, मेलानिन पिगमेंट है ना, मेलानिन पिगमेंट जिससे हमारी स्किन का कलर आता है, कैसा कलर आता है? कुछ लोग बहुत गोरे होते हैं उनमें मेलानिन पिगमेंट बहुत कम पाया जाता है, जो सांवले हैं काले हैं उनमें मेलानिन पिगमेंट बहुत ज्यादा होता है ना। तो मेलानोमा इज द कैंसर दैट बिगिंस इन द सेल्स दैट बिकम मेलानोसाइट्स, ये सेल्स कैसे हो जाते हैं? मेलानोसाइट्स हो जाते हैं, विच आर स्पेशलाइज्ड सेल दैट मेक मेलानिन, ये क्या बनाते हैं? मेलानिन बनाते हैं। बात समझ में आ रही है? मेलानोमा इज द कैंसर दैट बिगिंस इन द सेल्स दैट बिकम मेलानोसाइट, ठीक है ना, विच आर स्पेशलाइज्ड सेल, ये जो सेल्स हैं ये खास सेल्स होते हैं जो मेलानिन बनाते हैं, द पिगमेंट दैट गिव स्किन कलर, है ना, मेलानिन वो पिगमेंट है जो स्किन को कलर देता है। मोस्ट मेलानोमा फॉर्म ऑन द स्किन, ज्यादातर स्किन पे होते हैं ये, बट मेलानोमास कैन ऑल्सो फॉर्म इन द अदर पिगमेंटेड टिश्यू सच एज द आई, आई में जो कलर है उसकी वजह भी कौन है? मेलानिन ही है, तो वहां पे भी कैंसर हो सकता है, ठीक है ना। तो मेलानिन पिगमेंट फॉर्मिंग सेल्स का जो कैंसर होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? मेलानिन पिगमेंट फॉर्मिंग सेल्स का जो कैंसर होगा उसे मैं क्या कहूंगा? मेलानोमा कहूंगा। जिसको नहीं समझ में आ रहा फिर से बोल रहा हूं, मेलानिन पिगमेंट फॉर्मिंग सेल्स, मेलानिन पिगमेंट फॉर्मिंग सेल्स का जो कैंसर है उसको हम लोग मेलानोमा कहेंगे। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड ट्यूमर, ब्रेन का हो जाए स्पाइनल कॉर्ड में हो जाए तो उसे ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड ट्यूमर कहेंगे। जर्म सेल ट्यूमर, जो हमारे बॉडी में स्पर्म बनाती हैं सेल्स, क्या बनाती हैं? स्पर्म, ठीक है ना। जर्म सेल ट्यूमर्स आर द टाइप ऑफ ट्यूमर दैट बिगिंस इन द सेल्स दैट गिव राइज टू स्पर्म और एग, यानी कि जो ओवम बनाए और स्पर्म बनाने वाले सेल्स में अगर ट्यूमर हो जाए यानी कि कैंसर हो जाए तो उसको हम लोग जर्म सेल ट्यूमर कहते हैं, ठीक है ना। दिस ट्यूमर कैन ऑकर ऑलमोस्ट एनीवेयर इन द बॉडी एंड कैन बी आइदर बिनाइन और मैलिग्नेंट, ये ट्यूमर बॉडी में कहीं भी हो सकता है और ये बिनाइन हो सकता है यानी कि वहीं का वहीं रहेगा, या मैलिग्नेंट फैलने वाला भी हो सकता है। न्यूरो एंडोक्राइन, न्यूरो एंडोक्राइन समझो, न्यूरो नर्व्स का और एंडोक्राइन का कंबाइंड, वहां पे अगर ट्यूमर होता है नर्व्स का तो उसे हम न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर कहते हैं। फॉर्म फ्रॉम सेल्स डेट रिलीज हार्मोन्स, उन सेल्स जो कि वो सेल्स जो कि हार्मोन्स रिलीज करते हैं अगर वहां पे कैंसर ट्यूमर हो जाए तो न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर, ठीक है ना। ओके, कार्सिनोइड ट्यूमर दैट टाइप ऑफ न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर, दे आर स्लो ग्रोइंग ट्यूमर दैट आर यूजली फाउंड इन द जीआईटी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम। कार्सिनोइड ट्यूमर ये हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम यानी कि हमारे पेट का सिस्टम है वहां पे पाए जाते हैं, उन सेल्स में अगर हो जाए तो इसे हम कार्सिनोइड ट्यूमर कहते हैं। मोस्ट ऑफन इन द रेक्टम एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि हम याद रखना कार्सिनोइड कहां रहेगा, ये तो रेक्टम में या स्मॉल इंटेस्टाइन के ट्यूमर को हम लोग क्या कहते हैं? कार्सिनोइड ट्यूमर कहते हैं। पूरी पूरी लाइन अगर याद नहीं हो पा रही है तो केवल यह ध्यान रखना है कौन सा ट्यूमर कहां होने पे उसको कौन सा ट्यूमर कहा जाता है। क्लियर? ओके, आगे आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मोड ऑफ एक्शन ऑफ डिफरेंट ड्रग्स, क्लासिफिकेशन भी देख लेंगे हम लोग अभी। हमारे पास कुछ खास खास ड्रग्स हैं या हम लोग ये समझ लें अभी कि आखिरकार कैंसर को हम लोग किल कैसे करते हैं। हमारे पास एक बड़ा फेमस है अल्काइलेटिंग एजेंट्स, जो अल्काइलेटिंग एजेंट्स होते हैं यानी कि अल्काइलेटिंग केमिस्ट्री जिन लोगों की थोड़ी बहुत आती होगी, अल्काइलेटिंग का मतलब क्या है? एडिशन ऑफ CH3 ग्रुप, है ना, CH3 यानी कोई अल्काइल, या CH3 ना बोलते हुए मैं बोल दूंगा R, R क्या होता है? अल्काइल। जब अल्काइल ग्रुप जोड़ा जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? अल्काइलेटिंग, अल्काइलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्काइलेशन, एडिशन ऑफ अल्काइल। एडिशन ऑफ अल्काइल इज कॉल्ड अल्काइलेशन।
क्या कहते हैं इसको हम लोग, अल्काइलेशन, और ऐसा करवाने वाले को अल्काइलेटिंग एजेंट्स। देखो क्या कह रहा है, अल्काइलेटिंग एजेंट्स फॉर्म हाईली रिएक्टिव कार्बोनियम आयन, हाईली रिएक्टिव कार्बोनियम आयन, यानी कि यहां पर मेरे पास सी प्लस बनेगा, ठीक है ना, सी प्लस बना, ट्रांसफर अल्काइल ग्रुप टू न्यूक्लियोफिलिक साइड्स ऑफ डीएनए बेसिस, जो डीएनए के बेस होते हैं ये कार्बोनियम आयन क्या होंगे उनकी तरफ ट्रांसफर किए जाते हैं, ठीक है, डीएनए के जो बेस, डीएनए के बेस है ना प्यूरिन्स और पायरीमाइडिन्स, याद है डीएनए के बेस कौन से होते हैं, प्यूरिन्स और पायरीमाइडिन्स, प्यूरिन में क्या है एडेनिन गुआनिन, पायरीमाइडिन्स में साइटोसिन थायमिन, है ना, ठीक है, उन पे जाके ये जुड़ जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा क्रॉस लिंकिंग होगी, क्रॉस लिंकिंग मतलब आपस में जो दो डीएनए के ऐसे ऐसे स्ट्रैंड्स थे उनमें क्रॉस लिंकिंग होना स्टार्ट हो जाएगी, एक तो नॉर्मल जुड़े ही होते हैं जैसे ए टी से जुड़ा हुआ है, सी जी से जुड़ा हुआ है, उसके अलावा भी डीएनए जुड़ने लगता है, एबनॉर्मल बेस पेयरिंग होने लगेगी, ए को टी से जुड़ना चाहिए बट ए जी से जुड़ जाएगा या सी टी से जुड़ जाएगा, एक एबनॉर्मल बेस पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी, डीएनए स्ट्रैंड ब्रेकेज हो सकता है या डीएनए स्ट्रैंड कहीं से क्या कर जाएगा टूट जाएगा, ठीक है ना, ओके, डीएनए स्ट्रैंड टूट जाएगा तो सेल प्रोलायफ्रेशन डिक्रीजेस, सेल का फलना फूलना रुक जाएगा, ओके, अल्काइलेशन आल्सो डैमेजेस आरएनए एंड प्रोटीन, डीएनए के साथ साथ ये आरएनए और प्रोटीन को भी क्या करता है डैमेज करता है, यानी सिंपल सी ग्रुप बात क्या है, ये अल्काइल ग्रुप जब जुड़ जाता है उसके ये सारे क्या आते हैं इफेक्ट आते हैं, जुड़ता कहां है डीएनए के बेसिस में जाकर के, डीएनए के बेस पे जाकर अटैक करते हो डीएनए में गड़बड़ियां होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, डीएनए में गड़बड़ी हो गई तो आरएनए गड़बड़ हो जाएंगे, आरएनए में गड़बड़ हो गई तो प्रोटीन में गड़बड़ी हो जाएगी, पता है ना प्रोसेस क्या होती है, डीएनए के ऊपर क्या बनता है आरएनए, आरएनए के ऊपर क्या बनता है प्रोटीन, तो लो डीएनए गड़बड़ कर दो आरएनए प्रोटीन अपने आप गड़बड़ हो जाएंगी, बात समझ में आ रही है, ओके, देन आगे आते हैं हमारे पास एक अल्काइलेटिंग हो जाते हैं, खास खास तीन चार उनको डिस्कस कर लेते हैं जिससे तुम लोग एक आइडिया लगेगा कि आखिरकार कैंसर को मारने वाले ड्रग्स करके आ रहे हैं तो ये किसके डीएनए को खराब कर रहे हैं, जो नए सेल्स बन रहे हैं ना ट्यूमर सेल्स उनके डीएनए को खराब कर रहे हैं ये, अच्छा होता क्या है आजू बाजू वाले हमारे सेल्स भी कुछ डैमेज हो जाते हैं, है ना, ये बात ध्यान रखना, आजू बाजू वाले हमारे सेल्स भी कुछ डैमेज होते हैं, ठीक है ना, थोड़े से ये कीमोथेरेपी नुकसानदायक होती है ना, जब मैंने स्टार्टिंग बताया था कि बाल लाल झड़ जाते हैं, शरीर में दर्द होता है, तमाम चीजें, क्यों कैंसर सेल के साथ साथ हमारे अच्छे सेल्स भी डैमेज होते हैं, ओके, एंटी मेटाबोलाइट की बात करें, मेटाबोलाइट्स जो बीच के प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है ना, एंटी मेटाबोलाइट इंटरफेयर विद डीएनए एंड आरएनए, देखो साफ साफ लिखा हुआ है, ये डीएनए और आरएनए में छेड़खानी करेंगे बाय एक्टिंग एज ए सब्स्टिट्यूट फॉर द नॉर्मल बिल्डिंग ब्लॉक, डीएनए और आरएनए बने किसके होते हैं, इनके अंदर प्यूरिन्स और पायरीमाइडिन्स लगे होते हैं, क्या लगे होते हैं प्यूरिन्स और पायरीमाइडिन्स नाम के केमिकल, है ना, यानी कि प्यूरिन्स पायरीमाइडिन है क्या, एडेनिन गुआनिन साइटोसिन और थायमिन, साइटोसिन और थायमिन, है ना, प्यूरिन्स और पायरीमाइडिन्स नाइट्रोजन बेसिस जो होते हैं, अब एंटी मेटाबोलाइट्स ये ड्रग्स क्या करते हैं, ये इनकी जगह इनकी जैसे दिखते हैं बट ऐसे होते नहीं है, तो ग्रोइंग सेल्स इनको लगा लेता है, किनको, इन मेटाबोलाइट्स को जो कि इसके जैसे दिख रहे हैं, तो जब याले दवाई जाकर के उनके इन डीएनए में जाकर लग जाएगी तो उनका डीएनए आरएनए क्या हो जाएगा डैमेज हो जाएगा, ठीक है ना, एक्टिंग एज ए सब्स्टिट्यूट, है ना, उसकी जगह पर काम करेंगे ये कौन, एंटी मेटाबोलाइट किसी जगह पर ए और जी और सी और टी की जगह पर काम करते हैं, ठीक है, जो कि ए जी और सी टी के नॉर्मल बिल्डिंग ब्लॉक हैं, किसके आरएनए और डीएनए, यानी कि आरएनए डीएनए ए जी और सी टी से बना होता है, एंटी मेटाबोलाइट इनकी जगह पे जगह लग जाते हैं और डीएनए आरएनए को डैमेज करते हैं, व्हेन दिस हैपन, जब ऐसा होता है द डीएनए कैनॉट मेक कॉपी ऑफ इट सेल, अब डीएनए क्या करेगा अपनी कॉपी नहीं बना पाएगा, जब सेल डिवाइड होता है डीएनए अपनी कॉपी बनाता है, एक कॉपी अपने पास रखता है एक कॉपी नए सेल में डाल देता है, अब कॉपी बनेगी नहीं तो नया सेल डिवाइड करेगा भी तो कर नहीं पाएगा वो, है ना, डैमेज हो जाएगा, एंड सेल कैनॉट रिप्रोड्यूस, सेल रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, नेचुरल प्रोडक्ट, है ना, कुछ प्रोडक्ट्स नेचुरल हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं कैंसर में, जिसमें एक है हमारे पास जैसे कि विंका अल्कोलाइड की बात कर ले हम लोग यहां पर, ये क्या करते हैं विंका अल्कोलाइड अरेस्ट, अरेस्ट मतलब रोक देना, ब्लॉक कर देते हैं डिवाइडिंग सेल्स इन द मेटाफेज, सेल डिविजन याद है प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज और टीलोफेज, चार फेज होती है, क्लियर, तो ये मेटाफेज स्टेज पे जाकर के ना, जैसी सेल मेटाफेज स्टेज में पहुंचता है नेचुरल प्रोडक्ट्स को
ब्लॉक कर देती हैं। ठीक है, कैसे ब्लॉक करती हैं? बाइंडिंग ट्यूबुलिन एंड प्रिवेंटिंग इट्स पॉलीमराइजेशन इनटू माइक्रोट्यूब्यूल्स। वो पता है ना, थोड़ा सा हिंट देता हूं मैं। जब हमारे क्या कहते हैं क्रोमोसोम बीच में होते हैं तो इस तरह से स्पिंडल फाइबर निकलते हैं, याद आ रहा है? तो ये स्पिंडल फाइबर ही नहीं बनने देगा, इन्हीं स्पिंडल फाइबर को क्या कहते हैं, माइक्रोट्यूबुल्स कहते हैं। ये बनेंगे ही नहीं, बाइंडिंग ट्यूबुलिन, ट्यूबुलिन से बनते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स। जब ट्यूबुलिन बहुत सारे जुड़ते हैं तो आपस में क्या बनाते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल बनाते हैं। ये इस ट्यूबुलिन के साथ जुड़ जाएंगे और इसको आपस में जुड़ के माइक्रोट्यूब्यूल नहीं बनाने देंगे। जब माइक्रोट्यूब्यूल नहीं बनेगा तो ये आप निकलेंगे यहां से, इस तरह निकल करके इस क्रोमोसोम को अलग अलग नहीं कर पाएंगे, तो सेल मेरा प्रॉपर डिवाइड नहीं करेगा। ठीक है ना, ओके, आगे आते हैं एंटीबायोटिक। कुछ एंटीबायोटिक जो कि काम करते हैं एज अ एंटीन्यूप्लास्टिक, कैसे काम करते हैं? दे इनहिबिट द ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन मतलब फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन ओवर आरएनए, आरएनए के ऊपर प्रोटीन का बनना, लिख लो, आरएनए के ऊपर, आहा ये तो हिंदी आ गई, चलो, आरएनए के ऊपर प्रोटीन का बनना, ठीक है, बाय बाइंडिंग एट ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। अब यहां प्रोसेस जिसको याद है अच्छी बात है, अदरवाइज सिंपल ध्यान रखना है। एंटीबायोटिक क्या करते हैं, प्रोटीन के बनने को रोक देते हैं। कैसे रोक देते हैं? जो प्रोटीन बनने से पहले एक कॉम्प्लेक्स बनता है, ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन, जो शुरुआत करने के लिए एक कह लो कि इंजन तैयार होता है, वहीं पर जाके जुड़ जाते हैं ये और उस इंजन को काम नहीं करने देंगे। एंड प्रिवेंटिंग इलोंगेशन ऑफ आरएनए चेन बाय आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज को चेन को आगे खींचने नहीं देते हैं। क्यों, कैसे रोक देते हैं? इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स को ही बंद कर देंगे ये। ठीक है, ना याद रहे तो सिंपल याद रखना है, एंटीबायोटिक क्या करते हैं, ट्रांसक्रिप्शन यानी कि प्रोटीन के बनने को रोक देते हैं। एंजाइम्स देखें, हमारे पास कुछ एंजाइम्स भी हैं जो कैंसर रोकने में काम आते हैं। इसमें हमारे पास एक सबसे खास एंजाइम है एस्पाराजिनेस, वर्क बाय, कैसे काम करता है, ब्रेकिंग डाउन द अमीनो एसिड। अमीनो एसिड कहां होते हैं, प्रोटीन के अंदर होते हैं। अमीनो एसिड प्रोटीन, मतलब प्रोटीन बना किसका हुआ है भाई, अमीनो एसिड वन, अमीनो एसिड टू, इनसे जुड़कर ही क्या बना होता है, प्रोटीन बना होता है। प्रोटीन कुछ और नहीं है, बहुत सारे अमीनो एसिड के मिलके जाने की वजह से क्या बन जाता है, प्रोटीन बन जाता है। ये क्या करता है, अमीनो एसिड को ही तोड़ दे रहा है। एस्पाराजिन विदाउट विच कैंसर सेल कैनॉट मेक प्रोटीन, जब ये अमीनो एसिड को ही तोड़ देगा तो प्रोटीन कहां से बनेगा। तो अल्टीमेटली देखो बच्चों, बात समझ में आ गई हमें, सेल्स ग्रो करते हैं अनलिमिटेड, उन सेल को किसी तरीके से हमें क्या कर देना है, रोकना है बढ़ने से। तो ये तमाम चीजें थी, हम उसका न्यूट्रिएंट्स रोक दें, हम उसका प्रोटीन तोड़ दें, हम उसका डीएनए खत्म कर दें किसी तरीके से, तो सेल की ग्रोथ, सेल का डिवीजन रोकना हमें किसी तरीके से, ओवरऑल कॉन्सेप्ट ये है। क्लियर होगी बातें? ठीक है, तो पांच ही डिस्कस किया हमने, ज्यादा डिस्कस नहीं किया। यहां पर आगे आते हैं क्लासिफिकेशन। अब ये तुमको देखो याद करना है ना, कैसे डिवाइड कर दिया है, अल्काइलेटिंग एजेंट, मैंने अभी इसके बारे में डिस्कस कर चुका हूं, कौन कौन से हैं, ये नाम है उसके, ठीक है ना, नाइट्रोजन मस्टर्ड, इथाइल अमीन, उसके अंदर कौन कौन आता है, देन एंटी मेटाबोलाइट, इसके बारे में मैंने अभी डिस्कस किया, देन नेचुरल प्रोडक्ट में मैंने विंका अल्कलॉइड को डिस्कस किया, एंटीबायोटिक्स में मैंने शायद ये अपने कोर्स में तो इसी के एक्शन को डिस्कस किया है, एंजाइम इसको डिस्कस कर लिया है, ठीक है ना। फिर ये मिसलेनियस है, जस्ट याद कर लेना है, एक एक ड्रग हार्मोन्स एक एक सबका याद कर लेना है, और रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स है ना, रेडियोथेरेपी वगैरह दी जाती है, तो ये तुम्हें यहां पर क्या करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा। क्लियर है ना, ओके चले आगे। ओके, अब तो हमारे डग स्टार्ट हो गए, सिंपल चीज आ गई, अब तो समझने वाला काम खत्म है ना। चले आ जाओ, पानी वानी पी लो, साइक्लोफॉस्फामाइड, पानी लेके बैठा करो, है ना, लेक्चर थोड़े से लंबे हो जाते हैं, है ना। ओके, तो साइक्लोफॉस्फामाइड सीपी के नाम से फेमस है, also known as cytophosphine, cytophosphine के नाम से भी जाना जाता है। cyclophosphamide is an alkylating agent, याद है तो लिख दो, इसके बारे में जनरल बातें, alkylating agent, ठीक है। मोड ऑफ एक्शन फिर बता रहा हूं, कोर्स में नहीं है, कुछ बच्चे अभी भी कंफ्यूज हैं, कुछ कह रहे हैं है, कुछ नहीं है, अपने सिलेबस में कहीं मेंशन नहीं है कि मोड ऑफ एक्शन अपने कोर्स में है, आता है तो लिख दो एज ए एडवांटेज, टीचर थोड़ा खुश हो जाएगा, अदरवाइज कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। मोड ऑफ एक्शन, ओके, इन द लिवर, लिवर में क्या कर रहा है, साइक्लोफॉस्फामाइड इज कन्वर्टेड इनटू एक्टिव मेटाबोलाइट फॉस्फोरामाइड मस्टर्ड,
यानी कि लिवर में ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है फॉस्फोरामाइड मस्टर्ड में, ये जाकर के विच बाइंड टू एंड क्रॉसलिंक डीएनए, ये डीएनए से बंधेगा और उसको क्रॉसलिंक कर देगा, है ना, एंड आरएनए को भी, देयर बाय इनहिबिटिंग डीएनए रेप्लिकेशन एंड प्रोटीन सिंथेसिस। इस तरीके से डीएनए के रेप्लिकेशन और प्रोटीन सिंथेसिस को रोक देता है। इसको मैं पहले भी डिस्कस कर लिया यहां पर, ठीक है ना। दिस एजेंट एट लो डोजेस इज अ पोटेंट इम्यूनो सप्रेसेंट। अच्छा, इम्यूनो सप्रेसेंट, जैसे जब ऑर्गन का ट्रांसप्लांट किया जाता है, एक इंसान की किडनी दूसरे इंसान में लगाई जाती है, तो हमारी बॉडी अलाउ नहीं करती है किसी दूसरे इंसान की बॉडी को, हमारा इम्यून सिस्टम उस पर अटैक करेगा, उस किडनी को खराब करने की कोशिश करेगा। तो शुरुआत में हम लोग क्या करते हैं, एक कुछ ड्रग्स दी जाती हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को बिल्कुल ठप्प कर देता है, और जब वो किडनी हमारी बॉडी में आ जाती है, उसमें ब्लड का सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाता है, सारी चीज स्टार्ट हो जाती है, फिर वो हमारा सिस्टम उसे धीरे धीरे एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ ठीक है, हमारी बॉडी में है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन शुरुआत में हमारा इम्यून सिस्टम, यानी कि हमारे बॉडी की जो फौज है, उसे रोकना होता है, तो पूरी फौज को खत्म कर दिया जाता है। ठीक है, कौन करता है ये ड्रग, यानी कि इम्यूनो सप्रेसेंट की तरह भी काम में आता है। ठीक है, कैसे करते हैं, प्राइमरली बाय डिप्लीटिंग टी रेगुलेटरी सेल, यानी जो टी सेल्स होते हैं ये उनको खत्म कर देते हैं ना, बी सेल्स होते हैं और टी सेल्स होते हैं। ओके, इट इज यूज टू ट्रीट, देखो बच्चों ये जो लाइन है ना, इसको याद करना अच्छे से, यूज टू ट्रीट, यही लाइन मैंने पूरे उसमें कॉपी करके, जो यूजेस वाला पार्ट है कि कहां कहां इस्तेमाल होता है, यही लाइन कॉपी करके मैंने वहां उतारी हुई है। ठीक है ना, लिम्फोमा डिस्कस कर चुके हैं, मल्टीपल माइलोमा डिस्कस कर चुके हैं, ल्यूकेमिया डिस्कस कर चुके हैं, ओवेरियन कैंसर, ओवरी का कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, स्मॉल सेल लंग कैंसर, लंग का कैंसर हो गया, न्यूरोब्लास्टोमा एंड सार्कोमा। तो ये कुछ 8-10 जो मैंने डिजीज स्टार्टिंग में डिस्कस करी थी, कुछ ना याद रहे तो 4-5-6 डिजीज ड्रग एक या दो आएंगी, है ना, पूरी 10 की 10 तो आएंगी नहीं, वो उठा करके 3-4 ड्रग तुम अपने एग्जाम में लिख के आ सकते हो। ठीक है ना, अभी फिलहाल याद करते चलो, तो 4-5-6 ड्रग केवल ड्रग बोल रहा सॉरी डिजीज याद कर लो, है ना, जो स्टार्टिंग में डिस्कस करी थी। ल्यूकेमिया चाहो तो इनको थोड़ा एक्सप्लेन भी कर देना, और क्वेश्चन लंबा हुआ तो डिस्कस करेंगे, सारी बातें डिस्कस करूंगा मैं। ठीक है ना, थोड़ा टाइम दो, एग्जाम से पहले तुम लोगों को अच्छे से प्रिपेयर करवा दूंगा मैं। ओके, एज एन इम्यूनो सप्रेसर, इम्यूनो सप्रेसर के तौर पर भी इस्तेमाल होता है, इट इज यूज्ड इन नेफ्रोटिक सिंड्रोम, ठीक है, ग्रेन्युलोमाटोसिस विद पॉली एंजाइटिस एंड फॉलोइंग ऑर्गन ट्रांसप्लांट, ठीक है ना, अमॉन्ग अदर कंडीशन, ऑर्गन ट्रांसप्लांट के समय एज ए इम्यूनो सप्रेसर इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, मेन क्या है ये, हम लोग इसको कहां इस्तेमाल करेंगे, एज ए एंटी कैंसर एजेंट, क्योंकि वही हमारा टॉपिक भी है और हेडिंग भी है। ठीक है, ये एक बार को याद ना रहे तो इसको छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इट इज टेकन बाय माउथ, यानी कि ये पिल्स के तौर पे अवेलेबल है, यहां लाइन से क्लियर हो गया, और इंजेक्शन इनटू वीन, और इंजेक्शन के तौर पे अवेलेबल है। मैंने कहा था फॉर्मुलेशन दो ही होंगी यहां पर, पिल्स और इंजेक्शन, याद होगी तुमको। ओके, अब देखते हैं जरा, स्टार लगा हुआ है तो इसका आईयूपीएसी और स्ट्रक्चर हमारे कोर्स में है, तो आओ देखें, हमको पता है यहां पर क्या लगा होगा, ये सी हो गया, ये सी हो गया, ये सी और ये सी। ओके, और ये मेरे पास एक हेट्रोसाइक्लिक रिंग है, हेट्रोसाइक्लिक रिंग मतलब जिसके अंदर अलग अलग एटम होते हैं, ये होमोसाइक्लिक हो गई, सारे के सारे क्या है, कार्बन है ना, यहां सब क्या लगे हुए हैं, कार्बन लगे हुए हैं। मैं पहले बता चुका हूं जितने भी जॉइंट्स होते हैं उनका मतलब कार्बन होता है, और जो फ्री एंड होते हैं यानी कि जो खाली है उसका मतलब भी कार्बन होता है। तो ये हेट्रोसाइक्लिक है, एक ओ लगा, पी लगा, एन लगा हुआ है, हेट्रोसाइक्लिक रिंग हो गई है। और कितने हैं टोटल, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हैं, 6 के लिए वर्ड इस्तेमाल होता है इन, और क्या है ये अल्केन है, तो इनेन एक वर्ड आएगा यहां पर, हम लोग देख सकते हैं इनेन एक वर्ड आ गया है। ठीक है ना, अब उसकी नेमिंग कर ले। ओके, वन ओ से स्टार्ट करेंगे प्रायोरिटी के हिसाब से, 2, 3, 4, 5 और 6, ठीक है ना, तो ये क्या हो गया, अच्छा 2 पर एन पर क्या है, 1, 2, 1, 2 एन एन बिस, है ना, मैंने कहा था जब क्या कहते हैं ये क्या आ गया, बिस मतलब दो, है ना, एन एन बिस 2-chloroethyl, 1 और 2, 1 और 2, बिस दो है, एन एन बिस 2-chloroethyl, ये वाला पार्ट कवर हो गया, एन एन बिस 2-chloroethyl, फिर 2 पे लगा हुआ ऑक्सो, ये ऑक्सीजन लगा हुआ है, 1 पर ऑक्स, 3 पर एजा, 3 पर एजा यानी कि नाइट्रोजन, और 2 पर फॉस्फोरस लगा हुआ है, तो 1-3-2 ऑक्सेजा फॉस्फ,
और पूरा क्या है, छह है, तो इनेन और टू पर क्या लगा हुआ है, टू पर NH, ये अगर दोनों हटा दूं तो ये N ऐसा होता है मेरे पास NH2, NH2 क्या होता है, अमाइन होता है। तो यहां पर दो बॉन्ड हट करके ये लगा हुआ है, बट टू पे इसको क्या काउंट करते हैं, अमाइन ही बोलते हैं, टू अमीन। क्लियर हुई बातें, ठीक है ना। अच्छा, जब तुम लोग स्ट्रक्चर बनाओगे तो कोई जरूरी नहीं इसको ऐसे बनाओ, मैं लास्ट टाइम बता चुका हूं, फिर बता देता हूं मैं इसको, तुम लोग ऐसा बना लो सिंपल, जिन लोगों को दिक्कत आती है अलग से, है ना, यहां पर एन लिख करके ऐसा लिख लो, जिन लोगों को दिक्कत है, CH2 CH2 Cl CH2 Cl। अगर तुम्हारे टीचर बोर्ड में पढ़ाते होंगे उस कॉलेज में तो वो कुछ ऐसा लिखते होंगे, परेशान नहीं हो ना उस चीज से, एक ही चीज है, ऐसे कर लो ऐसे कर लो, फर्क नहीं पड़ता हमको, ठीक है। चलें आगे, ओके, यूज की बात करें, इट इज यूज टू ट्रीट, वही वाली लाइन आगे पूरी ऊपर वाली, रिपीट नहीं करेंगे इसे, स्टोर करेंगे सेम है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड, अवॉइड लॉन्ग एक्सपोजर टू टेम्परेचर अबव 30 डिग्रीज, स्टोर इन वेल क्लोज कंटेनर, प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइट वगैरह वगैरह इसमें लिख सकते हैं। फॉर्मुलेशन मैंने बताया, इंजेक्शन, ठीक है, इंजेक्शन और पाउडर फॉर इंजेक्शन के रूप में अवेलेबल है ये, और ब्रांड नेम की बात करें तो साइक्लोजेन, पोसाइटॉक्स और एंडोजेन के नाम से मार्केट में अवेलेबल है। चले आगे, ओके, ब्यूसल्फान की बात करें तो ब्यूसल्फान इज एन ओरली एडमिनिस्ट्रेटेड एंटी कैंसर अल्काइलेटिंग एजेंट, ये भी कैसा है, अल्काइलेटिंग है, तो अल्काइलेटिंग में अगर इसमें एक्स्ट्रा लिखना चाहो तो मोड ऑफ एक्शन लिख देना, क्या दिक्कत है ना, ओरली एडमिनिस्टर्ड है ना, टैबलेट ग्रुप में होगी ये, यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ क्रोनिक माइलोजीनस ल्यूकेमिया। अब क्रोनिक माइलोजीनस, मैंने एग्जैक्ट नाम लिख दिया है, ना याद रहे तो सीधा लिखो टू ट्रीट कैंसर, कुछ ना याद रहे सीधा लिखो टू ट्रीट कैंसर, याद है तो अच्छी बात है, टू ट्रीट ल्यूकेमिया, बात समझ में आ रही है, लकीर का फकीर नहीं बनेंगे, थोड़ा सा दिमाग अपना भी लगाएंगे, क्लियर है ना, बिल्कुल ये नहीं कि टीचर ने जो लिख दिया वही लकीर का फकीर बनते हुए चलते चले जा रहे हैं, ओके। केमिकल नेम एंड स्ट्रक्चर, ये स्टार नहीं है अपने कोर्स में नहीं है, बट देख लेते हैं क्या है इसमें, मीथेन सल्फोनेट, ये रहा CH3 मीथेन सल्फोनेट, ओके, और ये 1 2 3 4 फोर पर ये लगा हुआ है CH3 मिथाइल सल्फोनिल ऑक्सी, ठीक है ना, और मीथेन सल्फोनेट ये रहा मीथेन सल्फोनेट, ओके, और ये 1 2 3 4 इसका नाम आ गया, ठीक है। अभी IUPAC सीखेंगे, ये सारे नाम जो हैं, मैं जो खासकर जो स्टार वाले थे उनको वापस लेके आऊंगा और बहुत इजी हो जाएगा तुम लोगों के लिए, परेशान नहीं होना बिल्कुल भी। यूजेस, ब्यूसल्फान वही सारी बातें जो ऊपर लिखी थी, टू ट्रीट क्रोनिक माइलोजिनस ल्यूकेमिया, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में CML, अ टाइप ऑफ कैंसर ऑफ द व्हाइट ब्लड सेल, ठीक है, एक व्हाइट ब्लड सेल के कैंसर की टाइप है, ओके। स्टेबिलिटी, मस्ट बी स्टोर अंडर रेफ्रिजरेटेड कंडीशन बिटवीन 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड, यहां थोड़ी सी कंडीशन अलग है कि इसे हम 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखते हैं। ये टैबलेट और इंजेक्शन दोनों के रूप में मार्केट में अवेलेबल है। ब्रांड नेम की बात करें तो माइलेरन, ब्यूसिलियन, ब्यूसल्फेक्स और ब्यूसल्फेन के नाम से मार्केट में क्या है, अवेलेबल है। आगे आते हैं, इसको हम लोग देखते हैं, मरकैप्टोप्यूरिन, इसको हम 6 MP के नाम से भी जानते हैं, इसका जो फेमस ब्रांड है सोल्ड अंडर द ब्रांड नेम प्यूरिन थॉल, ठीक है ना, या प्यूरिन थॉल, ठीक है। इट इज यूज फॉर कैंसर एंड ऑटो इम्यून डिजीज, कैंसर और ऑटो इम्यून डिजीज, जो डिजीज हमारा इम्यून सिस्टम हमारे ऊपर अटैक करता है उसके लिए इसका इस्तेमाल होता है। स्पेसिफिकली इट इज यूज टू ट्रीट एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूमोनिया, है ना, एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया, क्रोनिक माइलिनॉइड ल्यूकेमिया, क्रॉन्स डिजीज, ये एक तरह का पेट की गड़बड़ी का डिजीज होता है, एंड अल्सरेटिव कोलाइटिस, जिसको पहले ही बता चुका हूं मैं, हमारे इंटेस्टाइन में अल्सर्स हो जाते हैं उसकी डिजीज है ये, उसका नाम है अल्सरेटिव कोलाइटिस, ओके। मैं पहले ही बोल चुका हूं, अगर मन नहीं भर रहा है कि सर ये डिजीज आपने बोल दिया हमें देखनी है, गूगल बाबा जिंदाबाद, गूगल बाबा टाइप करें, डालें और इमेज देखें, वहां पे आ जाएगी। अगर कुछ अंदर की बात होगी बॉडी के तो उसकी इमेज भी कई बार अवेलेबल रहती है, ओके। आगे आते हैं, फॉर एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया इट इज जनरली यूज विद मीथोट्रीजेट, इट इज टेकन बाय माउथ, ये लाइन लिखनी, लिखो मत लिखो, याद है तो अच्छी बात है कि एक्यूट केस में हम लोग इसे मीथोट्रीजेट के साथ लेते हैं, टेकन बाय माउथ। अच्छा, स्टार नहीं है तो कोई बात नहीं, नेमिंग देख लेते हैं इसकी, ठीक है, तो नेमिंग क्या आ जाएगी, बैटरी लो हो गई है,
ओके ओके ओके, इसकी बैटरी बहुत जल्दी लो हो गई है। विट। तो इसके केमिकल नेम स्ट्रक्चर की बात करें अगर हम लोग, तो नेमिंग करना स्टार्ट करते हैं। 1 2 3, सॉरी गलत हो गया, 1 2 3 4 5 एंड 6, 7 8 एंड 9। तो देखो क्या है यहां पर, 3 7 3 और 7 पे डाइहाइड्रो दो एच लगे हुए हैं, और ये प्यूरीन है हमारे पास, है ना। प्यूरीन और पायरीमाइडीन, प्यूरीन में दो रिंग होती है, पायरीमाइडीन में सिंगल रिंग रहती है। 6 पर थायो एच लगा है, 1 कीटोन, है ना, कीटोन के लिए 1 लगता है, तो थायो 1। क्लियर है। आगे आते हैं यूज, वही सारे यूज जो ऊपर लिखे थे वही सारे यूज मैंने यहां लिख दिए, ठीक है। स्टेबिलिटी स्टोरेज ऑलमोस्ट सेम है, रूम टेम्परेचर पे रखो, कीप अवे फ्रॉम एक्सेस हीट एंड मॉइस्चर, ठीक है। सस्पेंशन अगर जो इसका है उसको रूम टेम्परेचर पर रखना होता है फॉर अप टू 6 वीक्स आफ्टर द बोटल इज ओपन फॉर द फर्स्ट टाइम। अगर जब पहली बार उसका बोटल खोल देते हैं उसके बाद सिर्फ 6 हफ्तों तक हम इसे रूम टेम्परेचर पर रखेंगे, अदरवाइज उसके बाद ये खराब हो जाता है। फॉर्मुलेशन टैबलेट और सस्पेंशन दोनों ग्रुप में अवेलेबल है। ब्रांड नेम की बात करें तो प्यूरीजेन, मैप्यूरिन और कैप्टोमर के नाम से मार्केट में अवेलेबल है। ओके नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, फ्लोरो यूरेसिल, 5-फ्लोरो यूरेसिल के नाम से भी मार्केट में अवेलेबल है ये, ठीक है ना। सोल्ड अंडर द ब्रांड नेम एड्रूसिल, है ना, एक फेमस का ब्रांड है। इट इज यूज टू ट्रीट कैंसर, ओके हमें पता है हम कैंसर के बारे में पढ़ रहे हैं। अब इट इज एन एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट विच एक्ट्स एज एंटी मेटाबोलाइट। क्या था एंटी मेटाबोलाइट का फंक्शन, प्यूरीन या पायरीमाइडीन की जगह पे जाके लग जाएगा डीएनए के बेस पेयर में और गड़बड़ कर देगा डीएनए को, ठीक है, वही लिखा हुआ है। फॉलोइंग कन्वर्जन टू द एक्टिव डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड। अब ये बहुत से डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड क्या होता है बहुत से बच्चों को समझ में नहीं आएगा, तो फंक्शन जो मैंने वहां समझा दिया था वही यहां लिखना, बस इतना समझ लो ये क्या है, एंटी मेटाबोलाइट है। जिन लोगों को डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड पता है वो लोग सुने बात को, जिन लोगों को नहीं पता है वो लोग यहां एंटी मेटाबोलाइट वाला ही फंक्शन लिख देंगे अगर लिखना चाहते हैं तो, ठीक है ना। ये एक्टिव डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड को जगह पर जाके लग जाएंगे, इट इनहिबिट डीएनए सिंथेसिस बाय ब्लॉकिंग द कन्वर्जन ऑफ डीऑक्सीयूरिडाइलिक एसिड, ठीक है ना, थायमिडाइलिक एसिड। अब अगर इसे पूरा प्रॉपर पढ़ने बैठ जाओगे कि ये भी क्या है वो भी क्या है, जिन बच्चों को प्रोसेस अच्छे से याद है उनके लिए ठीक, नहीं याद है तो वो लोग इसको छोड़ दें, ठीक है ना। जो एंटी मेटाबोलाइट का उन्होंने फंक्शन लिखा था वही लिखना, ये वाला फंक्शन ना लिखें, ध्यान रखना, ठीक है ना। ओके इट इज यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कोलोन रेक्टल, है ना, कोलोन जो हमारे एनएस के पास होता है, कोलोन रेक्टल कैंसर, ईसोफिगल कैंसर जो हमारे फूड पाइप होता है, स्टमक कैंसर, पैंक्रियाटिक कैंसर, पैंक्रियास वाला, ब्रेस्ट कैंसर एंड सर्वाइकल कैंसर, है ना, जो सर्विक्स होती है, ओके वजाइना के रास्ते में वो सर्वाइकल कैंसर हो गया। आगे आते हैं हम लोग, एज अ क्रीम इट इज यूज्ड फॉर एक्टिनिक कीराटोसिस स्किन के लिए, है ना, बसल सेल कार्सिनोमा एंड स्किन वार्ट्स, जो स्किन के गांठे से आ जाती है हल्की हल्की उनमें भी इसका इस्तेमाल होता है। बसल सेल कार्सिनोमा जो इसके बेस सेल्स होते हैं स्किन के उनमें अगर कैंसर हो जाए तो उसमें इसकी क्रीम इस्तेमाल होती है। केमिकल नेम एंड स्ट्रक्चर की बात करें तो 5-फ्लोरो 1-एच पायरीमिडीन 2-4-डाई-1, है ना, तो यहां से हम लोग स्टार्ट कर लेंगे, 2-4 1-2-5-फ्लोरो 2-4-डाई-1, तो यह आ जाएगा 1-2-3-4-5 एंड 6, ठीक है। तो 5 पर फ्लोरो आ गया, 1 पर एच आ गया है, पायरीमिडीन, ठीक है, 2-4-डाई-1, 2 और 4 पे क्या आ जाएगा डाई 1, 2 कीटोन लगे हुए हैं तो इसकी नेमिंग हो गई। यूज की बात करूं तो वही सारे यूज मैंने बताया, हर किसी के यूज जो मैं यहां लिखता हूं वही यूज मैंने उठा करके यहां लिखे हुए हैं, तो एक ही बात है, ठीक है। इंट्रो वाले पार्ट में दे सकते हो, वापस से फिर यहां पे अलग से भी देख सकते हो। स्टेबिलिटी स्टोरेज बहुत ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, स्टोर 25 डिग्री सेंटीग्रेड, स्टोर इन वेल क्लोज कंटेनर। फॉर्मुलेशन की बात करें तो इंजेक्शन और क्रीम के रूप में मार्केट में अवेलेबल है। ब्रांड नेम की बात करें तो एड्रूसिल, फ्लोनिडा, ड्रूसिल और फ्लोरासिल के नाम से मार्केट में अवेलेबल है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग मीथोट्रीजेट, है ना, क्या है मीथोट्रीजेट, फॉर्मरली नोन एज एमीथोप्ट्रिन, पहले इसको हम लोग एमीथोप्ट्रिन के नाम से जानते थे,
इट इज अ कीमोथेरेपी एजेंट यानी कि कैंसर को ठीक करने के लिए, एंड इम्यून सिस्टम सप्रेसेंट यानी कि ये भी इम्यून सिस्टम को सप्रेस करता है। मीथोट्रेजेट इज एन एंटी मेटाबोलाइट है, ठीक है ना, एंड एंटीफोलेट एजेंट है ना, एंटीफोलेट को जो कर देता है डिक्रीज, फिर आगे हमारा जो होता है डीएनए आरएनए बनने में दिक्कत आती है। ओके, मीथोट्रेजेट बाइंड टू एंड इनहिबिट द एंजाइम डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज, उस एंजाइम से बंध जाएगा और उसे रोक देगा, रिजल्टिंग इन इनहिबिशन ऑफ प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड, जो प्यूरिन होते हैं है ना उनका बनना रोक देता है, एंड थायमिडाइलेट सिंथेसिस उसका भी रोक देगा, एंड सब्सक्वेंटली जिसके रुकने से इनहिबिशन ऑफ डीएनए एंड आरएनए सिंथेसिस, डीएनए और आरएनए सिंथेसिस रुक जाएगी। यानी कि अल्टीमेटली तुमको क्या ध्यान रखना है कि जैसे ही मीथोट्रेजेट जुड़ेगा है ना, ये एंटी मेटाबोलाइट है, डीएनए आरएनए की सिंथेसिस रुक जाएगी। क्लियर है, डीएनए आरएनए की सिंथेसिस रुक जाएगी। इट इज यूज्ड टू ट्रीट कैंसर, ऑटोइम्यून डिजीज एंड एक्टोपिक प्रेगनेंसी। क्या होती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी? प्रेगनेंसी जनरली यूट्रस में होनी चाहिए, लेकिन अगर यूट्रस को छोड़ के फैलोपियन ट्यूब वगैरह में कहीं रुक जाता है बच्चा किसी वजह से, तो उसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं, इसको रिमूव करना पड़ता है, ठीक है ना। एंड फॉर मेडिकल अबॉर्शन, तो कहां कहां इसका इस्तेमाल हो रहा है इसको ध्यान रखना है, आगे भी इस्तेमाल करेंगे। टाइप्स ऑफ कैंसर इट इज यूज्ड फॉर इंक्लूड ब्रेस्ट कैंसर, ल्यूकेमिया, लंग कैंसर है ना, लिम्फोमा, गैस्ट्रोएसिनल ट्रोफो, ब्लास्टिक डिजीज, ऑस्टियोसारकोमा, बोन का आ गया। टाइप ऑफ ऑटोइम्यून डिजीज इट इज यूज्ड फॉर, किस किस ऑटोइम्यून डिजीज में इसका इस्तेमाल होता है? सोरियासिस, रूमेटाइड, आर्थराइटिस एंड क्रॉन्स डिजीज, इसका यहां यहां पे इस्तेमाल होता है ना। ये तो पार्ट कॉमन था, यूज वाला है, उठा करके हम यूज में भी लिख देंगे। केमिकल नेम एंड स्ट्रक्चर, स्टार नहीं है इसके पास स्टार नहीं है, यानी कि केमिकल नेम एंड स्ट्रक्चर हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। देख लें इसको एक बारी। ओके, क्या कह रहा है? पेंटेन डायोइक एसिड, तो ये रहा मेरे पास सी 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 है ना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5 है ना, पेंटेन डायोक एसिड पकड़ लिया। बस अब करते चलोगे 2K 1 2 3 4 है ना, फिर 4K 4K कहां पर रंग लगी हुई है, यहां पर आ जाते हैं 4 पर, अच्छा ठीक है वापस आते हैं, कहां गया, 2 पर जो ग्रुप लगा हुआ है उसके रिंग के चौथे नंबर पे एक अगली रिंग लगी हुई है ना, तो 2 के 4 पे और जो इसके 4 पर है, यहां देखो क्या लगा हुआ है, 2,4-diamino, क्या लगा हुआ है, 2,4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है ना, 2,4-diamino, एक 2 पे अमीन लगा है, एक 4 पे अमीन लगा हुआ है, डाई अमीनो ट्रिडीन 6-aryl, ये पूरा स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है ना, उसके लिए इस्तेमाल हो गया यहां पर डायअमीनोप्टेरिन डिन ऑप्टेरिडिन, और छठे पे लगा हुआ है 6-aryl है ना, ये छठा है, इस पे आयल लग गया, देन ये वाला सी मिथाइल, ठीक है, फिर ये लगा हुआ है मिथाइल अमीनो, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा बेंजोइल, ये ओ लगा हुआ है ना बेंजोइल, फिर ये अमीनो पेंटेन डायोइक एसिड। तो बात समझ में आ रही है, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह से रिंग के पीछे जाना होता है। अच्छा, ये कैसे पकड़ेंगे, ये मैं अभी सिखा दूंगा बाद में, कई सारी रिंग्स को हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे, इस रिंग का नाम ये है, इस रिंग का नाम ये है, तो डायरेक्ट ये रिंग के नाम हम लोग सीख जाएंगे बाद में, ठीक है। यूज की बात करें, इट इज यूज फॉर ब्रेस्ट कैंसर, ल्यूकेमिया, लंग कैंसर, 6-7 दे रखें, कोई 3-4 याद कर लेना। स्टेबिलिटी स्टोरेज सेम है, 20 से 25 डिग्री टेम्परेचर है, प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइट, कीप इन वेल क्लोज कंटेनर, ओके। देन फॉर्मुलेशन, टैबलेट इंजेक्शन, ब्रांड नेम की बात करें तो इम्यूट्रेक्स, ट्रेजिट और फॉलीट्रेक्स के नाम से मार्केट में अवेलेबल है। क्लियर है बातें? क्लियर है, ओके, पानी फिर से पी लो, थोड़ा सा भी लेक्चर और चलने वाला है, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है, ओके, आगे आते हैं, आ जाओ, ये तो हो गया, आगे आते हैं, चलो, डेक्टिनोमाइसिन, डेक्टिनोमाइसिन इज एन इंट्रावीनसली एडमिनिस्ट्रेटेड, यानी कि नसों में दिया जाता है, एंटी न्यूप्लास्टिक एंटीबायोटिक है, क्या है ये, एंटीबायोटिक, ओके। डेक्टिनोमाइसिन आल्सो नोन एज एक्टिनोमाइसिन डी, इसको हम लोग एक्टिनोमाइसिन डी के नाम से भी जानते हैं, ठीक। इट इज यूज टू ट्रीट नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ कैंसर, जनरल लाइन में हो गई ये तो। इट इज यूज टू ट्रीट विल्म्स ट्यूमर, रेबडोमाइसोसार्कोमा, एविक्स सार्कोमा, ठीक है ना,
ट्रोफोब्लास्टिक न्योप्लाज्म, टेस्टिकुलर कैंसर एंड सर्टन टाइप्स ऑफ ओवेरियन कैंसर। ठीक है, अब तुम लोग कहोगे सर ये क्या है विल्म्स ट्यूमर, रेबडोमायोसारकोमा, ना याद रहे या ये नाम दिक्कत दे, तो मैंने पहले कहा था तो स्टार्टिंग में 4-5-6 नाम मैंने बता रखे, केवल उनको लर्न कर लेना है। जैसे यहाँ टेस्टिकुलर कैंसर, ये भी टाइप्स ऑफ कैंसर है, ठीक है ना, क्या है टाइप्स ऑफ कैंसर है, जिन साइंटिस्ट ने इनको ढूंढा उनके हिसाब से इनके नाम पड़ गए हैं। ठीक है, इट इज गिवन बाय इंजेक्शन इनटू वीन, नसों में इंजेक्शन तौर पर दिया जाता है। अब देखो बच्चों, इसका मैं ना केमिकल नाम जानबूझ के लेके आया, इसको ज्यादा मैं हटा सकता था, जरा यहाँ गौर से देखो ये है ना, कैसा डेंजर सा लग रहा है ना, खतरनाक, किसकी याद आ रही है इसको देख के पढ़ना नहीं है इसको, ठीक है ना। लेकिन हाँ, जब हम आईपीसी करेंगे तब एक बारी करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए तुम लोगों को, फार्मेसी कर रहे हो तो ये सब चीज़ें आनी चाहिए, जो बच्चे हायर स्टडी करेंगे उनके लिए जरूरी रहेगा। ठीक है, तो बड़ा अजीब सा लग रहा है, कुछ टफ नहीं है, कई सारी रिंग की मर्जिंग है, इसको सीखेंगे हम बाद में, ठीक है ना, ये लंबा चौड़ा नाम है, अब इसको हम लोग हटा देते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यूज़ की बात करें तो यूज़ वही सारे आगे जो ऊपर लिखे थे, एविक सार्कोमा है ना, वेव ट्यूमर, स्टेबिलिटी स्टोर सारे सेम है, स्टोर 25 डिग्री सेंटीग्रेड, प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइट, कीप इन वेल क्लोज कंटेनर, फॉर्मुलेशन इंजेक्शन या पाउडर फॉर इंजेक्शन, कुछ भी कर लो एक ही बात है। ब्रांड नेम की बात करें तो कॉम्सिजेन, डेसिलॉन, डेक्मोजेन, अच्छा डेक्मोजेन दो बार हो गया, कोई बात नहीं, डेक्टिनो, ठीक है ना, एक बार इसको हटा देंगे, क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट ड्रग नंबर 7, क्या नाम है इसका, डॉक्सोरुबिसिन हाइड्रोक्लोराइड, फिर से बोलो डॉक्सोरुबिसिन हाइड्रोक्लोराइड। सोल अंडर द ब्रांड नेम, किसके अंतर्गत, कौन सा फेमस ब्रांड है इसका, एड्रियामाइसिन, कौन सा ब्रांड है, एड्रियामाइसिन। डॉक्सोरुबिसिन इंटरकैलेट बिटवीन द बेस पेयर, एक तरह से बेस पेयर के बीच में जाकर के इंटरकैलेट करेगा, जोड़ेगा उनको जाकर के इन द डीएनए हेलिक्स, जो डीएनए का स्ट्रक्चर होता है, देयर बाय प्रिवेंटिंग डीएनए रेप्लिकेशन एंड अल्टीमेटली इनहिबिटिंग प्रोटीन सिंथेसिस। ये अल्टीमेटली कर क्या रहे हैं, डीएनए हेलिक्स है ना, डीएनए हेलिक्स ऐसा होता है, पता है ना, डीएनए स्ट्रैप से होता है, उसको जाकर के बेस पेयर के बीच में जाकर जुड़ेगा, ठीक है, डीएनए को बर्बाद करेगा और प्रोटीन सिंथेसिस को रोक देगा, प्रोटीन नहीं होगा तो सेल अपने काम प्रॉपर कर नहीं पाएगा। इट इज यूज टू ट्रीट कैंसर, ऑब्वियसली बात है, ब्रेस्ट कैंसर, ब्लैडर कैंसर, कैप्सोसार्कोमा, लिम्फोमा एंड एक्यूट लिम्फोटिक ल्यूकेमिया। तो 3-4 मैंने कहा वही सेम सेम डिजीज है लगभग सब में, उनको याद कर लेना है, गिवन बाय इंजेक्शन इनटू वीन। ओके, तो यहां पर अगर हम इसकी बात करें तो हाँ, ये क्या मेरे पास केमिकल नेम एंड स्ट्रक्चर, ओके इसको हम देख लेते हैं, डॉक्सोरुबिसिन हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास। अब इसका केमिकल नेम और स्ट्रक्चर करना चाहोगे, आओ देखें, तो टेट्रासीन 5-12-1, ओके, तो 7-1-2-3-4 पे 4 पे अमीनो, एक मिनट अभी बता रहा मैं, ये आ गया 1-2-3-4, ओके आगे आते हैं 5-6, ये मेरे पास आ गया 2-I, ओके ऑक्सी, आइलो ऑक्सी और सिट्राई हाइड्रोक्सी 6-9-11, ये 7 है ना, तो 6-7-8-9-10-11 और ये आ जाएगा मेरे पास 6-5-4-3-2-1, ओके आगे देख लेते हैं 4-methoxy-1 और ये क्या है 12, हो गया। तो देख सकते हैं हम लोग कि किस तरीके से इसके हिसाब से मैंने नेम को पकड़ा है, ठीक है ना, सिखा ये सब चीज़ें और डिटेल में सीखेंगे हम लोग बाद में। तो अब कर लेते हैं नेमिंग, 7 पे क्या लगा हुआ है, 4 पर अमीनो, 5 पर हाइड्रोक्सी, 6 पर मिथाइल CH2 और मिथाइलोक्सेन, मिथाइल और ये ओ लगा हुआ है, मिथाइलोक्सेन 2I, ठीक है, और ऑक्सी ये होता है ना OCH3, ये क्या मिथॉक्सी होता है, तो ये ऑक्सी
ये हो गया मैथ, और बाद में क्या लगता है ऑक्सी, तो ये मैथ वाला ग्रुप तो ये रहा और ये ओ लगा हुआ है, तो इसके लिए वर्ड क्या लग गया ऑक्सी। 6 9 11 पे ट्राई हाइड्रोक्सी, 9 पे अगर आ जाए तो क्या लगा हुआ है हाइड्रोक्सी एसिटाइल है ना, ये COOH, ये 1 2 ठीक है, ये क्या हो जाएगा हाइड्रोक्सी एसिटाइल, सॉरी 2 पर हाइड्रोक्सी हो गया और ये C एसिटाइल ग्रुप हो गया। लास्ट टाइम मैंने बताया था CO ये वाला ग्रुप क्या होता है ना, इस टाइप से ये वाला ग्रुप क्या था एसिटाइल ग्रुप था, तो 2 पर 1 और 2, 2 पर हाइड्रोक्सी एंड देन एसिटाइल, 4 पे मिथॉक्सी, ये रहा यहां पर CH3, 4 पर मिथॉक्सी, 8 10 डाइहाइड्रो, 8 और 10 यहां पर सैचुरेशन हो गया तो डाइहाइड्रो, 7 पे फिर सैचुरेशन है, कहां गया 7 अपना, 7 पे एक H लगा दे हुआ है दिख रहा है यहां पर, तो 7 पे H ठीक है। टेट्रासीन 1 2 3 4 चार रिंग है, तो टेट्रासीन 5 और 12 पे क्या है डाई 1 हाइड्रोक्लोराइड, यहां पर हम लोग एक HCl लगा देंगे ठीक है। ये बड़े बड़े नाम है, जस्ट इसलिए बताता रहता हूं बीच बीच में जो आसान है थोड़े से, ताकि समझने में तुम लोग आसानी रहे, पकड़ने में आसानी रहे, अदरवाइज जिनको नहीं करना खटाक से आगे बढ़ जाए ठीक है ना। आगे आते हैं, यूज की बात करें तो वही इट इज यूज टू ट्रीट कैंसर लाइक ब्रेस्ट कैंसर, ब्लडर कैंसर, कैपोसिस सार्कोमा, लिम्फोमा एंड एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया। आगे आते हैं, स्टेबिलिटी स्टोरेज स्टोर है 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड, देखो ये दूसरा ड्रग है जिसको हम लोग रेफ्रिजरेटेड कर रहे हैं, यानी कि 2 से 8 डिग्री पर स्टोर कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या, प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइट, कीप इन वेल क्लोज कंटेनर, फॉर्मुलेशन में क्या सोल्यूशन और पाउडर फॉर इंजेक्शन। ब्रांड नेम की बात करें एड्रियामसिन, डॉक्सोरूबा और टॉबिक्सिन के नाम से मार्केट में अवेलेबल है। नेक्स्ट है हमारे पास विनब्लास्टिन सल्फेट, तो विनब्लास्टिन को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में VVL भी कहते हैं, इसका जो फेमस ब्रांड है वो कौन सा है वेलबेन के नाम से मार्केट में अवेलेबल है। विनब्लास्टिन सल्फेट इज द सल्फेट साल्ट ऑफ विनब्लास्टिन, यानी कि विनब्लास्टिन के आगे जब हम सल्फेट जोड़ देंगे तो वो क्या बन जाएगा विनब्लास्टिन सल्फेट, अ नेचुरल अल्कलॉइड है ना, ये क्या है नेचुरल अल्कलॉइड है, आइसोलेटेड फ्रॉम द प्लांट कैथारेंथस रोजियस है ना, मेडागास्कर पेरिविंकल के नाम से जाना जाता है ये। इट हैज एंटी न्यूप्लास्टिक प्रॉपर्टी, ये लाइन तो सब में जोड़ सकते हो तुम लोग। विनब्लास्टिन डिसरप्ट माइक्रोट्यूबुल, देखो वही वाला आ गया ना, माइक्रोट्यूबुल जो बताया था मैंने, माइक्रोट्यूबुल जो क्रोमोसोम को अलग करता है उसको डिसरप्ट करता है, खराब कर देगा फंक्शन ड्यूरिंग द माइटोसिस जिस समय सेल डिवाइड कर रहा है, एंड इंटरफेयर विद ग्लूटामिक एसिड मेटाबॉलिज्म, किसके साथ इंटरफेयर करेगा जो ग्लूटामिक एसिड का मेटाबॉलिज्म है उसके साथ इंटरफेयर करता है ठीक है। ये ना याद रहे तो सिंपल है, माइटोसिस ही गड़बड़ कर दी तो सेल डिवाइड करने में दिक्कत हो जाएगी। यूज टू ट्रीट नंबर ऑफ कैंसर लाइक हॉडगिंस लिम्फोमा, नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर, ब्लैडर कैंसर, ब्रेन कैंसर, माइलोनोमा, टेस्टिकुलर कैंसर, ये कैंसर वो कैंसर फलाना कैंसर ठीक है ओके तो ये लिख सकते हो। देखो 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 क्या है विनब्लास्टिन सल्फेट, आ जाओ देखो नाम, देखो नाम 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 आ खतरनाक सा नाम बच्चे कहेंगे सर ये क्या है ना, नहीं कर रहे इसको नहीं करेंगे, परेशान ना हो, मैं जस्ट इसको दिखाया कि देखो बच्चों ऐसे भी नेमिंग होती है ठीक है, जो बच्चे हायर स्टडी के लिए सोच रहे हैं आगे ठीक है वो पक्के से प्रैक्टिस करें इसकी है ना। अब बच्चे कह सर कैसे करें कहाँ से करें, तो कई सारे सोर्सेस है, बुक की हेल्प लें, नेट की हेल्प लें ठीक है ना, और क्योंकि मैं अभी इसको पूरा बताने लगूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा ठीक है, और मैं कोशिश करूंगा जब IUPAC का एंड करूंगा तो उसमें कुछ बड़े बड़े से ड्रग के नाम लेकर के आऊं और वहां पे तुम लोगों को एक्सप्लेन करूं, जिससे कि जो बच्चे आगे फर्दर तैयारी करना चाहते हैं उनकी हेल्प हो जाए। अभी फिलहाल के लिए इस केकड़े को छोड़ देते हैं ठीक है ना, केकड़े जैसा लग रहा है ओके। आगे आते हैं, यूज की बात करें, इट इज यूज टू ट्रीट नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ कैंसर, कई सारे कैंसर को ठीक करने में इस्तेमाल होता है लाइक हॉडगिंस, मैंने कहा है यूज वाली लाइन वही उतार देता हूं जो यहां पर है तो वो एक ही बार याद करनी पड़ेगी। स्टेबिलिटी स्टोरेज सेम ही है, स्टोर है 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड, प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइट, कीप इन वेल क्लोज कंटेनर, ये मैं पहले बता चुका हूं, ना याद रहा है तो जनरल कुछ भी लिख दो यहां पर, फॉर्मुलेशन भी जनरल लिख सकते हो, लेकिन जब कैंसर का याद है कि टैबलेट और इंजेक्शन और ज्यादातर इंजेक्शन के रूप में इस्तेमाल हो रहा है तो क्यों गलत करना, इंजेक्शन लिख के आओ। ब्रांड नेम की बात करें तो वेलबेन, साइटोब्लास्टिन और साइटोक्रिस्टिन के नाम से मार्केट में अवेलेबल है। नेक्स्ट आते हैं सिसप्लेटिन, तो क्या है सिसप्लेटिन, इज अ प्लैटिनम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, जो बच्चों की केमिस्ट्री अच्छी होगी वो समझते होंगे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स क्या होता है। बच्चे कहेंगे सर आप तो ऐसे बोल देते हो, बाकी बच्चे क्या नहीं जानते होंगे, जानने का मतलब ये है, देखो मैं एक चीज बता दूं बच्चों, एक चीज
कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो दिमाग से कमजोर हो, मेरी बात को बहुत कायदे से सुनना इस बात को, ठीक है ना। मैं जब ये बात बोलता हूँ कि वो बच्चे जानते होंगे जिनको इसके बारे में पता होगा, यानी कि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो दिमाग से बहुत तेज होंगे, गलत। दिमाग से तेज कोई बच्चा नहीं है, मतलब सही बच्चों का दिमाग बराबर होता है, बात समझ लेना इस बात को, सही बच्चों का दिमाग बराबर होता है, फर्क सिर्फ इतना होता है जो बच्चा थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दे करके चीजों को रिवाइज कर लेता है उसको चीजें याद बनी रहती हैं। क्या बनी रहती हैं? याद बनी रहती हैं। और जो बच्चा एक बार पढ़ के छोड़ देता है उसको चीजें याद नहीं रहती हैं, ठीक है, वो भूल जाता है एग्जाम टाइम पे। मैं पढ़ा रहा हूं समझ में तो आ गया, लेकिन ये चीज याद बनी रहे इसके लिए क्या करना पड़ेगा? रिवीजन। और जो बच्चा एक्स्ट्रा रिवाइज कर लेगा टाइम दे करके वो अच्छे नंबर ले आता, हम कहते हैं यार ये तो होशियार बच्चा है, इसका दिमाग से तेज है। दिमाग से तेज तुम भी हो, सब है दिमाग से तेज, बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम देना होता है। बात समझ में आ गई? ओके। तो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है ना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होते हैं क्लासिफाइड एज अल्काइलेटिंग एजेंट। ये क्या है? ये भी अगेन एक अल्काइलेटिंग एजेंट है एंड यूज्ड इंट्रावीनसली इन द ट्रीटमेंट ऑफ सेवरल फॉर्म्स ऑफ कैंसर। कई सारे कैंसर के रूप कैंसर में इस्तेमाल होता है ये। इट इज यूज्ड टू ट्रीट कैंसर लाइक टेस्टिकुलर कैंसर, यानी कि टेस्टिस का कैंसर, ओवेरियन कैंसर ओवरी का कैंसर, सर्वाइकल कैंसर सर्विस का कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, ब्लडर कैंसर, हेड एंड नेक कैंसर, तमाम दुनिया भर के कैंसर है, लिख देना। इट इज गिवन बाय इंजेक्शन। ओके, नाम देख लो इसका, सिस। देखो बच्चे दो फॉर्म होती है, पढ़ा होगा ज्योमेट्री, है ना, केमिस्ट्री में ज्योमेट्री पढ़ी होगी, एक होती है सिस और एक होता है ट्रांस, ठीक है ना। तो ये जो प्लैटिनम है, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, ये प्लैटिनम, इसको गोल बना दूं, एटम गोल होता है, जब ये दोनों एक साथ हैं, ये ClCl और ये Cl, ये NH3 और ये NH3, दो NH3 एक साथ, दो Cl एक साथ, अगर यही ऐसा होता Cl NH3 Cl और NH3, बात समझ में आ रही है, तो ये कहलाता ट्रांस, और जब साथ साथ में है तो क्या कहला रहा है? सिस, है ना, ये साथ में, ये साथ में, है ना, ये बॉन्ड ये गया, ये गया, ये गया, ये गया। ओके, डायअमीन, दो अमीन है, डाइक्लोरो दो क्लोरो, प्लैटिनम टू, यानी कि यहां पर जो प्लैटिनम का टू क्या दिखा रहा है? इसका ऑक्सीडेशन नंबर। यहां पर कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है तो ऑक्सीजन नंबर इसका कितना हो जाएगा? टू हो जाएगा। क्लियर? ट्वेल्थ में था ये अपने पास। यूज की बात करें, यूज मैंने अभी जस्ट रीड किए थे, वही सारे यूज हैं। स्टेबिलिटी स्टोरेज खास नहीं है, सारी कॉमन है, इंजेक्शन के रूप में इस्तेमाल, मतलब फॉर्मुलेशन है इसकी। ब्रांड नेम की बात करें तो प्लैटिनेक्स, सिसप्लैटिन, सिस्टर्नो और प्लैटिन के नाम से मार्केट में अवेलेबल है। देन कम टू द लास्ट ड्रग, ड्रोमो, रीड करो मेरे साथ। अच्छा, ऊपर व्हाइट आ गया, ब्लैक करते हैं, वेट, रीड करो, ड्रोमो स्टेनोलोन प्रोपियोनेट, ड्रोमो स्टेनोलोन बोलो, ड्रोमो स्टेनोलोन प्रोपियोनेट, है ना, प्रोपियोनेट ऐसे याद किया जाता है, ठीक है। तो कह रहा है जो ड्रोमो स्टेनोलोन प्रोपियोनेट है उसको हम लोग ड्रोस्टानोलोन प्रोपियोनेट, ड्रोस्टानोलोन के नाम से भी जानते हैं, सोल्ड अंडर द ब्रांड नेम ड्रोलबेन और मास्ट्रिल एंड मास्टरॉन के नाम से भी मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है। नाम थोड़े टेढ़े मेढ़े ना, टंग ट्विस्ट कर जाती है ना, कोई बात नहीं। ड्रोमो स्टेनोलोन प्रोपियोनेट इज द प्रोपियोनेट साल्ट फ्रॉम द ड्रोमोस्टेरोन, ठीक है, ड्रोमोस्टेरोन का साल्ट होता है ड्रोमोस्टेरोन प्रोपियोनेट, यानी कि मेन कंपाउंड ये है, उसमें प्रोपियोनेट जोड़ देते हैं तो ड्रोमोस्टेरोन प्रोपियोनेट बन जाता है। अ सिंथेटिक एनाबॉलिक स्टीरॉइड, ये एक स्टीरॉइड है रिलेटेड टू डाइहाइड्रोस्टेरोन दैट हैज अ एंटी एस्ट्रोजेनिक इफेक्ट, ड्रोमोस्टेरोन इनहिबिट द, ठीक है। अच्छा, अब ये बातें थोड़े से नाम टेढ़े मेढ़े आ गए, कुछ बच्चे लर्न कर ले जाएंगे, कुछ बच्चे लर्न नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, तुम इसको छोड़ देना। इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ ईस्ट्रोजन रिसेप्टर प्रेजेंटिंग ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है ना, ये क्या कर रहा है? ग्रोथ ऑफ ईस्ट्रोजन रिसेप्टर रिसेप्टर प्रेजेंटिंग ब्रेस्ट कैंसर, जो ब्रेस्ट कैंसर में ईस्ट्रोजन रिसेप्टर होता है उनको ये ग्रोथ को रोक देता है। इट्स वायरलाइजिंग इफेक्ट लिमिट द क्लिनिकल यूजफुलनेस, इसका जो इफेक्ट है वो वायरलाइजिंग है, मतलब थोड़ा सा घातक है, तो इसका इस्तेमाल हम थोड़ा सा कम करते हैं, ठीक है ना। तो ये पॉइंट कुछ बच्चों को थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा लगेगा, तो फिर कह रहा हूं लकीर का फकीर नहीं बनना है, इसको सिंपल करना चाहो कर सकते हो, हटाना चाहो हटा सकते हो, ठीक है।
तो यहां से हमें एक चीज देखने को मिल गई है कि ये कहां इस्तेमाल हो रहा है, कहां इस्तेमाल हो रहा है, ब्रेस्ट कैंसर में, ठीक है। इट इज एन एंड्रोजन एंड एनाबॉलिक स्टीरॉइड मेडिकेशन विच इज यूज टू ट्रीट ब्रेस्ट कैंसर। किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है ये? ब्रेस्ट कैंसर के लिए इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। एंड्रोजन है, हार्मोन है जो एक, इट इज गिवन बाय इंजेक्शन इनटू मसल, मसल में दिया जाता है ये। अब इसका नाम देख ले, देखो नाम क्या है इसका, इसके नाम के मैंने देखो यहाँ पर इस तरह स्ट्रक्चर बना दिया है ताकि चीज़ें इजीली समझ में आ जाए, है ना। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से, तो यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10, ओके, 11, 12, 13, 14, 15 and 16। क्लियर है बातें? तो ये मैंने क्यों कर दिया, क्योंकि ये एक्चुअली ना एंथ्रासीन, यहाँ पे एक नाम आएगा एंथ्रासीन का, जो रिंग होती है ना उससे मिलता जुलता है ये, बल्कि कह लो वही है, उसमें सेचुरेशन कर दिया गया है। तो 2, 10, 13 पे क्या लगा हुआ है? मिथाइल लगा हुआ है, ट्राई मिथाइल। 3 पे ऑक्सो है, 3 पे ऑक्सो है, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 17 पे टेट्रा डेकाहाइड्रो, क्या हो जाएगा ये, इन पे टेट्रा डेका हाइड्रो, इन सब में क्या लगा हुआ है? H, यानी इन सब पोजीशन पे हाइड्रोजन आके ऐड हुआ है, ठीक है। साइक्लोपेंटेन फिनेंथ्रीन, ये रिंग स्ट्रक्चर मैंने बताया था, किसको रिप्रेजेंट करता है ये, फिनेंथ्रीन को, और 17 से जुड़ा हुआ है जाकर के, 17 आयल प्रोपियोनेट, है ना, 1, 2, 3, 1, 2, 3 प्रोपेन और 8 प्रोपियोनेट। इसके लिए इस्टर के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि ये इतना ग्रुप साइड में लगा हुआ है, इसकी नेमिंग पहले होगी, प्रोपियोनेट बाद में आ गया, ठीक है ना। चले आगे, यूज टू ट्रीट ब्रेस्ट कैंसर, स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज, स्टोर एट 15-25 डिग्री सेंटीग्रेड, प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइट, कीप इन वेल क्लोज कंटेनर। फॉर्मुलेशन की बात करें अगर हम लोग, ठीक है, तो इंजेक्शन है, और ब्रांड नेम की बात करें तो ट्रॉलबैन, मैस्ट्रिल और मैस्ट्रॉन के नाम से मार्केट में अवेलेबल है। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 13, एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट। यहां से फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री हमारी पूरी कंप्लीट होती है, कुछ टॉपिक एक दो बीच के छूट गए हैं, खासकर चैप्टर नंबर 4, वो मैं बीच में कवर करा दूंगा, उसके लिए ज्यादा परेशान ना हो। अब हम स्टार्ट करेंगे फार्माकोग्नोसी, ठीक है ना। उसके बाद मैं एक वोटिंग और कर दूंगा बच्चों, जो देखो अब जहां तक है एग्जाम होते होते मैं फार्माकोग्नोसी ही खत्म करा पाऊंगा, क्योंकि सारे सब्जेक्ट करा पाना पॉसिबल नहीं है। उसके बाद ही मैं एक वोटिंग करवाऊंगा, प्लस उसमें आपको जो अदर सब्जेक्ट में जो खास खास चैप्टर बहुत ज्यादा दिक्कत दे रहे हैं वो मेरे को बता देना, उनके मैं एक लेक्चर बना के तैयार कर दूंगा। सारा पढ़ा पाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ मेरी कोशिश पूरी ये रहेगी कि एग्जाम, फाइनल एग्जाम से पहले क्या हो जाए, फार्माकोग्नोसी मैं पूरी करा दूं। और एक न्यूज आ गई है, शायद तुम लोगों को पता होगा, एग्जिट एग्जाम का कंफर्मेशन हो गया है, ठीक है ना। एग्जिट एग्जाम का कंफर्मेशन हो गया, तो तुम लोगों का एग्जिट एग्जाम भी होगा। बी रेडी, प्रिपेयर रहो, और प्रिपेयर होने के लिए एक ही तरीका है, कौन सा तरीका, रिवीजन। क्या करना है, रिवीजन करना है, बार 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 रिवाइज करना है, उसके अलावा कोई और तरीका नहीं है। एग्जिट एग्जाम में लटक गए तो गए काम से, है ना। चीटिंग वीटिंग करके अगर पास वास हो रहे हो तो गलत बात है। फिलहाल इतना मैं जानता हूं, जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वो लोग अपने दम पर ही कर रहे हैं, और अपने दोस्तों को समझाएं एग्जिट एग्जाम आ गया है तो कोई तरीका नहीं है, एग्जाम देकर ही पास करना पड़ेगा, तो पढ़ाई शुरू कर दें। ओके, क्या करना है, रिवीजन करना है। रिवीजन करोगे कोई रोक नहीं पाएगा, खटाक से एग्जाम निकलेगा, बढ़िया निकलेगा, पास हो जाओगे एक ही बार में। तो रिवीजन करेंगे और बार बार रिवीजन करेंगे। ओके, और कोशिश करो जो थोड़े ड्रग्स टफ हैं उनकी एक लिस्ट बना लिया करो, एक चैप्टर ले लिया, जैसे मान लो एंटी न्यूप्लास्टिक है, उनके 10 ड्रग के नाम जेब में डाल लिए, सुबह निकले बैठे, अच्छा पढ़ लिए 10 के ड्रग, ठीक है, फिर लंच में देख लिया, एक ही दिन में सारा याद हो जाएगा। करके देखो इसको एक बारी, 10 ड्रग कौन से हैं उनको जेब में लिख लिया डाल के, 3-4 बार दिन में देखा याद हो गए, फिर 2 दिन बाद फिर देखा, ठीक है ना, फिर उनके अंदर मेन मेन जो स्ट्रक्चर थे हर किसी के अंदर जो हमें लर्न करने थे, ठीक है ना, 3 ही इसके अंदर ड्रग है जिनके स्ट्रक्चर और नाम हमको याद करने हैं, उनके नाम तीनों के लिख लिए, सुबह देखा, दोपहर देखा, शाम को देखा, याद हो गए, है ना। बाकी चीजें फॉर्मुलेशन, ब्रांड नेम, स्टेबिलिटी, स्टोरेज, ये तो कॉमन है, लिख दोगे, है ना। जब ये याद हो गया कि ये ड्रग मेरा एंटी न्यूप्लास्टिक है, तो 3-4 लाइनें कि ये एंटी न्यूप्लास्टिक है, ये अल्कालेटिंग एजेंट है, ये तो 4-5 चीजें लिख दोगे। क्लासिफिकेशन एक डिफिकल्ट देता है, क्लासिफिकेशन लिख लो, 13
चैप्टर है, हर किसी में थोड़े थोड़े और एक्स्ट्रा, मान लो करीब करीब 13 और 26, करीब 30-35 क्लासिफिकेशन होंगे, लिखकर एक लिस्ट बना डालो फटाक से, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है? तो सिर्फ रिवीजन ही तुमको बचाएगा, तो क्या करना है, रिवीजन। ओके, ऑल द बेस्ट।